राधे, अभी अगर अब कोई आ गया। अरे नया बाथरूम अक्षय। हेलो ये नया बाथरूम किसके लिए आप सबके लिए तो लाइए। लीजिए हार्पिक बाथरूम क्लीनर पर मैं तो महंगे डिटर्जेंट से साफ करती दिखाइए <स्थिखे> इसे कहते हैं आँखों में डिटर्जेंट झोंकना ये देखिए काई पीलेपन के जमे हुए दाग आपको चाहिए हार्पिक बाथरूम टेन एक्स पावर क्लीनर जो डेट डिटर्जेंट के मुकाबले दस गुना बेहतर सफाई अब चमचमाता नया बाथरूम मुबारक हो तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं राधे मूवी के बारे में तो राधे मूवी बॉलीवुड की एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो प्रभु देवा द्वारा निर्देशित की गई है फिल्म में सलमान खान दिशा पटानी जैकी श्रराफ और रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं इस फिल्म के निर्माता सुहेल खान अतुल अग्निहोत्री और सलमान खान हैं ये फिल्म दो में रिलीज हुई फिल्म वांटेड की सीक्वल है तो फिल्म की घोषणा 18 अक्टूबर 2019 को की गई थी फिल्म की शूटिंग 1 नवंबर 2019 को लोनावाला में शुरू हुई थी जिसके बाद ये फिल्म 22 20 मई 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन देश भर में महामारी के कारण इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया था और अब ये फिल्म 13 मई 2021 में ईद के अवसर पर रिलीज हुई है फिल्म सिनेमाई घरों और ओ टी टी प्लेटफॉर्म जीप्लेक्स पर व्यू के साथ रिलीज हुई है अगर हम इस फिल्म के कहानी की बात करें तो दिल्ली में मुंबई आए खतरनाक ड्रग माफिया राणा और उसके दो आदमी पूरे शहर को नशे की ओर तबाह करना चाहते हैं उस की और बेहद हिंसक है जिसका कोई रूल नहीं है वो मुंबई के हर क्लब बार होटल कॉलेज को अपना शिकार बनाना चाहता है ऐसे में उससे निपटने आते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राधे जिनसे बीते दस साल में सत्तानवे एनकाउंटर किए गए हैं और जिसका तेईस दफ़ा ट्रांसफ़र हो चुका है माफियाओं से निपटने के बीच एक दिन रहा चलते राधे की मुलाकात होती है दिया यानी कि दिशा पटानी से जो उसी के सीनियर अफसर यानी कि जैकी शराफ की बहन है एक तरफ दिया और राधे का रोमांस चलता है दूसरी तरफ राधे खतरनाक माफियाओं से एक एक कर भिड़ते हैं इस फिल्म में आपको ज़बरदस्त एक्शन भारी डायलॉग कॉमेडी रोमांस और गाने सभी मिलते हैं जो आपकी काफ़ी इंटरटेन को भी जो आपको काफ़ी इंटरटेन भी करेंगे सलमान खान अपना वादा निभाने जा रहे हैं ईद पर उनकी रिलीज फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज होने जा रही है 40 से ज़्यादा देशों में यह मूवी देखी जा सकेगी ये पहली बार ऐसी हिंदी फिल्म है जो सिनेमाई घरों के साथ साथ विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म पर देखी जा सकेगी ये मूवी एक वर्ष से भी ज़्यादा समय से तैयार हो रही थी लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण इसकी रिलीज अटकी हुई थी सन 2017 में रिलीज हुई साउथ कोरियन फिल्म द आउट लाच का राधे ऑफिशियल हिंदी रीमेक है जिसमें हिंदी फिल्म देखने वाले दर्शकों के मुताबिक कुछ बदलाव किए गए हैं मुंबई शहर पर एक ड्रग का धंधा करने वाले अपराधी यानी कि रणदीप हुड्डा का दबदबा बढ़ता जा रहा है साथ ही साथ क्राइम रेट भी बहुत बढ़ गया है पुलिस उसके दबदबे को कम करने में नाकाम रहती है नेताओं और पुलिस अधिकारियों की इस सिलसिले में मीटिंग होती है और बात निकल कर आती है कि इस अपराध को एक ही ऑफिसर रोक सकता है जिसका नाम है राधे यानी कि सलमान खान राधे का काम करने का अपना अंदाज़ है उसे किसी का दखल पसंद नहीं है राधे काम में जुड़ जाते हैं और उसका लक्ष्य मुंबई से अपराध की गंदगी को साफ करना होगा क्या राधे अपने मिशन में सफल हो पाएंगे कैसे वो इस गंदगी को साफ करेंगे वो जनता जानना चाहती है उसकी टक्कर कितने खतरनाक लोगों से है इन सवालों के जवाब मिलेंगे राधे फिल्म में अभिनेता सलमान खान और निर्देशक प्रभु देवा की यह तीसरी फ़िल्म साथ है वांटेड सुपरहिट रही थी दबंग थ्री पसंद नहीं की गई थी तीसरी फिल्म क्या गुल खिलाती है आने वाले दिनों में तो पता चलेगा फिल्म राधे योर मोट भाई की कहानी का हीरो राधे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं सलमान खान अपनी फिल्में सबके लिए नहीं बनाते उन्हें अपना फ़ैन बस बनाते हैं उनके लिए उनके फैंस को सलमान की अदाएँ पसंद हैं दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान हैं सलमान खान का सिनेमा में ऐसे ही चलता रहा है राज शीशा तोड़कर सलमान खान की एंट्री होती है मोबाइल पर एम्बुलेंस भेजने का संदेश आंख के नीचे कांच से बना घाव प्रभुदेवा सीन बनाते हैं फिर उन्हीं को लगता है कि नहीं मजा नहीं आया वो सीन को फिर से दिखाते हैं और स्लो मोशन में इस बार खिड़की का कांच चकनाचूर हो जाता है हवा में उड़ता है बीच में सलमान खान निकलते हैं और मुंह में भी कांच का एक टुकड़ा दबा है जिससे कि वो होटों से ही हवा में निशाना बनाकर फेंकते हैं मोबाइल वाले बंदे के आंख के नीचे कट बनता है फिल्म राधे में सलमान खान का एंट्री सीन सिनेमाई हाल में होता है तो इस पर खूब तालियां सुनने को मिलती हैं सिंगल स्क्रीन थिएटर में सलमान खान की एंट्री पर लोगों ने सीटें और खड़े होकर नाचते भी दिखाई दिए हैं लेकिन राधे योर मोस्ट वांटेड की रिलीज सीधे घरों में हुई है मुंबई में मोबाइल और लैपटॉप पर स्मार्ट टीवी पर भी जी फाइव के जरिए फिल्म चलनी चाहिए थी लेकिन चली नहीं तमाम कोशिशों के बावजूद बड़े पर्दे के हिसाब से शूट हुई फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की इस बात की कहानी से शुरू करें इसके निर्देशन से शुरू करें इसकी कलाकारों की अदाकारी से शुरू करें सब बातें एक जैसी ही हैं वांटेड का वो कमिटेंट वाला संवाद भी यहाँ है हीरो और विलेन की वैसे ही फाइट जैसे ईद पर रिलीज हुई सलमान खान की इसके पहले दस फिल्मों में भी उनके फैंस देख चुके होंगे यहाँ भी इस बार हीरो और विलेन दोनों आसमान से धरती पर आ गिरे हैं हेलीकॉप्टर में से निकलते हुए हड्डी पसली सब साबुत लेकर सलमान अपनी फिल्में सबके लिए नहीं बनाते उन्हें अपने फ़ैन के लिए बनाना पसंद करते हैं उनके फैंस को सलमान खान की अदाएं बहुत पसंद हैं दोनों एक दूसरे पर बरसों से कुर्बान होते चले आ रहे हैं तो सलमान खान सिनेमा में ऐसे ही चलते जा रहे हैं तो फिल्म राधे मोर मोस्ट वांटेड भाई की कहानी का हीरो राधे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और 10 साल में तेईस ट्रांसफ़र हो चुके हैं और सतानवे इनकाउंटर कर चुके हैं सचिन वाजे की याद यहाँ आना स्वाभाविक है क्योंकि राति को भी उसका निलंबन ख़त्म कर पुलिस फोर्स में लाया जाए मुंबई में फैले रहे नशीली पदार्थों और कारोबार को ख़त्म करने वाले फिल्म ए पहले ही सीन में साफ कर देती है कि ये ड्रग्स मुंबई में दिल्ली से आ रही है इसका सप्लायर राड़ा है सुशांत राजपूत का संदर्भ भी फिल्म दे रही होती है पूरी फिल्म में साजिद खान के बनाए गए फिल्म के टाइटल ट्रैक का इंतजार ही बना रहा है और गाना बजता है आखिर में एक क्रेडिट के साथ और जिस सिटी मार गाने को लेकर सबसे ज़्यादा हल्ला मचा है वो गाना ठीक क्लाइमैक्स से पहले आकर फिल्म का जोड़ा बहुत मजा आया है उसे खराब कर देता है और सलमान खान की फिल्मों का एक सेट पैटर्न बन चुका है ना सलमान खान इससे बाहर निकलना चाहते हैं और न उसकी कटोरी के निर्देशक उन्हें निकलते देख रहे हैं तो उनका गुब्बारा लगातार फूल रहा है सलीम खान का नाम भी ओपनिंग क्रेडिट में आता है एक कोरियन फिल्म द आउट की इस रीमेक का आइडिया अगर उनका है तो कम से कम पटक कथा तो उन्होंने फिल्म की जरूर ही नहीं पढ़ी होगी फिल्म को वांटेड की सीक्वल का फील देने की कोशिश बहुत की गई है लेकिन बात जमी नहीं फिल्म की पटक कथा बिल्कुल सपाट तरीके से चलती जाती है और जैसा कि अधिकतर कोरियाई फिल्मों में होता है ये हीरो के अलावा किसी दूसरे के किरदार पर ध्यान नहीं देते हिंदी सिनेमा में निर्देशकों के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने वाले कलाकार बहुत हुए हैं सिनेमा की भाषा में इन्हें डायरेक्टर्स एक्टर्स कहते हैं सलमान खान ने निर्देशक की एक नई प्रजाति तैयार की है एक्टर्स डायरेक्टर यानी जो हीरो कहें उन्हें बस ये सर कहना है अमिताभ बच्चन की बतौर हीरो रिलीज हुई और आखिरी में फिल्म ऐसे ही बनती है सन उन्नीस में, में सूर्यांशम कोहराम और हिंदुस्तान की कसम के बाद अगले साल मोहब्बतें मिल गई है यहाँ ऐसा कुछ हो जाए तो ही अच्छा है साइकिल पर प्रेम की स्टाइल में राधे का पिछला पहिया एकदम से रोककर साइकिल 45 डिग्री पर खड़ी करना आसान नहीं होगा लेकिन दर्शक उसे सीधे जुड़ नहीं पाते हैं फिल्म में कहने को सितारे की पूरी बारात है जय की श्राफ सुधांशु पांडे गौतम नामदेव दर्शन जरीवाला सिद्धार्थ यादव अर्जुन कानूनगो विश्वजीत प्रधान प्रवेश राणा सरवर अली इहाना ढिल्नल सब थोक में निपट गए हैं इसके निर्देशक देवा ने किसी भी किरदार का कोई बैकग्राउंड किया इसकी कहानी में होने वाले कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है बस वो सर्कस की तरह रंग में रिंग करते नजर आए हैं करतब दिखाते हैं और निकल जाते हैं दिशा पटानी फिल्म की हेरोइन है सो उनके लिए अलग से लाइन लिखना ज़रूरी है नहीं तो काम उनका भी फिल्म में कुछ खास नहीं है वो धीरे धीरे सिनेमा का पीस बनती जा रही हैं अपनी इंस्टाग्राम फोटो में कुछ अलग वे बड़े पर्दे पर भी नहीं कर पा रही हैं फिल्म में सलमान खान के अलावा अगर किसी ने कुछ किया है तो वो रणदीप हुड्डा हैं सीधे मनमोहन देसाई की कि किसी भी फिल्म से निकले विलेन चाकूबाजी भी वैसी बाल भी वैसे और कस्टड्यूम भी डिट्टू वैसा है सलमान खान की फिल्म सिर्फ सलमान खान की फिल्म होती है उसमें बाकी किसी का ज़्यादा कुछ जोर चलता नहीं फिल्म का गीत संगीत सब उनका ही सुलझाया बनाया होता है मेष सेमिया के गाने में जैकलिन को मौका मिल गया ये सलमान खान की ही बदौलत है वो इस गाने में श्री देवी बनने की कोशिश भी पूरी करती है लेकिन ये जैकलिन के बात नहीं है फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसे आप ढाई सौ रुपये में घर बैठे पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं ईद पर पूरे परिवार के साथ जाते तो दो हजार का फटका लगना पक्का था सलमान खान को ईद मुबारक कहिए कि उन्होंने अपनी पिछली फिल्म तीन फिल्मों की तरह इस बार भी ईद पर अपने फैंस से ये नुकसान होने नहीं दिया बात आखिर कमेंटेंट की ओर ठहरी और, और सलमान खान ने एक बार कमेंटेंट कर ही दिया है जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है भाग निकले राणा के साथ हेलीकॉप्टर में बैठने वाले एक गार्ड को छोड़कर राधे उनमें से अधिकांश को मार देता है राणा की योजना मुंबई से दूर जाकर कहीं और दवा का कारोबार शुरू करने की कोशिश करते हैं राधे हेलीकॉप्टर पर कूदता है और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिसमें गार्ड की मौत हो जाती है अविनाश आते हैं और राणा को मारने की कोशिश भी करते हैं लेकिन राणा अविनाश की पिटाई करता है और उसे मारने वाले होते हैं राधे अविनाश को बचाते हैं और राणा से लड़ते हैं राधे हावी हो जाते हैं और राणा को मार डालते हैं तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो दिया के प्रेमी राधे के रूप में सलमान खान जी हैं और दिया अभ्यंकर के रूप में दिशा पटानी हैं राधे की प्रेमिका और अविनाश की बहन हैं राणा के रूप में रणदीप हुड्डा मुख्य प्रतिपक्षी हैं एसीपी क्राइम ब्रांच अविनाश अभियंकर के रूप में जय की श्राफ राधे के वरिष्ठ अधिकारी और दिया के भाई हैं दिलावर के रूप में सुधांशु पांडे हैं निक्सा के रूप में मेघा आकाश हैं भरत इंस्पेक्टर सर्वेश के रूप में हैं, गिरगिट के रूप में गौतम गुलाटी हैं गोविंद नामदेव संयुक्त आयुक्त तो आईजी रमेश पाटिल के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं दगाडू दादा के रूप में प्रवीण तारडे हैं और दर्शन जरीवाला ग्रह सचिव के रूप में हैं रंजीत मावनी के रूप में सिद्धार्थ जाधव हैं मंसूर के रूप में अर्जुन कानूनगो हैं मंसूर की पत्नी नसरीन के रूप में इहाना ढिल्लो हैं रणवीर के रूप में नौफल अजमेर खान हैं और सावर अली विपुल शाह के रूप में हैं एसीपी अर्जुन के रूप में विश्वजीत प्रधान हैं जय के रूप में वी एंडी एक फोटोग्राफर हैं मोर कृष्ण के रूप में कुलविंदर वारवाल हैं और अली के रूप में विजय सिंह हैं लोटा के रूप में सांगे शर्टिम हैं और सुमित के रूप में आर्यन अरोड़ा हैं सुमित चंद्रा समाचार रिपोर्टर के रूप में हैं सुमित की बहन के रूप में श्रुति विष्ट हैं और सुमित की मां के रूप में परवीन कौर हैं अनजान के रूप में मितांश लुतुल्ला हैं और मिकी मखीजा मुंबई पुलिस आयुक्त के रूप में हैं हीरालाल के रूप में प्रवेश राणा हैं और मन्नू के रूप में शुभंगन त्रिपाठी हैं मकान मालिक के रूप में कमाल मलिक हैं और शायरा के रूप में नैन्सी जैन हैं सलीम बेग निजामुद्दीन के रूप में हैं अजय सिंह अपराध शाखा अधिकारी के रूप में हैं अपराध शाखा अधिकारी के रूप में संजीव शर्मा हैं जैकलीन फर्नांडीज दिल दे दिए गाने में एक विशेष उपस्थिति में अपनी रोल को प्ले कर रही हैं तो आइए जानते हैं इस फिल्म के विकास दर के बारे में तो सितंबर 2019 में मीडिया रिपोर्टरों ने अनुमान लगाया है कि प्रभु देवा दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशन करेंगे और इसे ईद उल दो बाईस मई 2020 के अवसर पर रिलीज किया जाएगा जिस तारीख को शहर सलमान खान की रुकी हुई फिल्म इन सल्लाह के रिलीज होने की अटकलें थी। डेक्कन कंकाल के एक लेखक में लेख में लिखा गया है कि परियोजना का उल्लेख वांटेड 2009 की अगली कड़ी के रूप में किया गया है इसका शीर्षक वांटेड 2 रखा गया है लेकिन निर्माताओं की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है अक्टूबर 2019 में यह भी बताया गया है कि यह फिल्म 2017 की दक्षिण कोरियाई फिल्म द आउट की रीमेक है तो 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से फिल्म का शीर्षक राधे इसे ईद 2020 में पुष्टि की जा रही है तो भारत के बाद सलमान खान के साथ उनके दूसरे सहयोग में दिशा पटानी रणदीप हुड्डा और जैकी शराब को महत्वपूर्ण भूमिका मिल लिया गया है नवंबर दो में भारत श्रीनिवास ने फिल्म का हिस्सा होने की सूचना मिली थी गौतम गुलाटी ने फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है और फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी एक नवम्बर दो को शुरू हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल चार नवम्बर को मुंबई के महबूब स्टूडियो में हुआ था सलमान खान ने सेट पर कलाकारों और चालक दल के सदस्यों के लिए एक नए निर्देशकों की शुरुआत की जिसका उद्देश्य सेट पर अनुशासन बनाए रखने और नए लोगों को जूनियरों की मदद के लिए एक मित्र प्रणाली बनाए रखने में जोर देना था तो फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ था जहां सलमान खान और हुड्डा के कुछ पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए थे क्लाइमेक्स शाट के लिए निर्माताओं के दृश्य प्रभावों पर 7.5 करोड़ खर्च किए और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल की परियोजना बनाई है जिसे बाद में कोविड उन्नीस के प्रकोप के कारण रद्द कर दिया गया था और ये भी बताया गया था कि सलमान खान अपने फार्म हाउस पर फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम कर रहे थे हालांकि सलमान खान के मैनेजर ने दावा किया है कि पोस्ट प्रोडक्शन की कोई योजना नहीं थी क्योंकि सभी प्रोडक्शन कार्य निर्देशकों के अनुसार रोक दिए गए थे सरकार फिल्म की शूटिंग 4 अक्टूबर 2020 को फिर से शुरू हो गई थी और जहां कुछ पैचवर्क दृश्य और सलमान खान और पटानी पर एक गाना फिल्माया गया था फिल्म चौदह अक्टूबर दो को पूरी हो गई थी फिल्म का साउंड ट्रैक साजिद वाजिद द्वारा रचित है और देवी प्रसाद भी हैं और हिमेश रेशमिया द्वारा भी रचित है जबकि गीत सबीर अहमद साजिद खान और कृणाल वर्मा द्वारा लिखे गए हैं फिल्म का स्कोर संचित बलहरा और अंकित बलहरा द्वारा रचित है तो राजीव व वा, राधे वाजिद खान साजिद वाजिद जोड़ी में से एक है और प्रदान कृति और शीर्षक ट्रैक जून 2020 में उनकी मृत्यु से पहले उनकी आखिरी रचना थी यह इसे साजिद खान का पहला एकल एल्बम बनाता है और प्रसाद ने तेलुगु फिल्म डीचे दुवद्दा जगन्नाथम दूज सूत्र से अपने गीत सी को फिर से बनाया है हेम शिमिया ने फिल्म में एक गाना भी गाया है इस फिल्म में कुल चार गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक श्री टीमार इसे सबीर अहमद देवी श्री प्रसाद और कमाल खान और यूलिया ने गाया है नंबर दो दिल दे दिया इसे सबीर अहमद और हिमेश रेशमिया और गाया है कमाल खान और पायल देवनी नंबर तीन राधे टाइटल ट्रैक इसे साजिद खान के बोल हैं और साजिद वाजिद हैं और साजिद खान ने अपनी आवाज़ दी है नंबर चार झूम झूम इसे गाये कुणाल वर्मा साजिद वाजिद और एस किंग यूलिया वंतूर साजिद खान ने तो फ्रेंड्स तेरह मई 2021 को राधे की सीमित नाटकी रिलीज हुई थी जिसे 21 अप्रैल 2021 को सलमान खान ने आगे घोषणा की है कि फिल्म सभी परिचालन थिएटरों में रिलीज होगी और जी फ्लेक्स के माध्यम से पर व्यू और डिजिटल स्ट्रीमिंग विधि में जी फाइव और ये हाइब्रिड रिलीज वाली भारतीय फिल्म बन गई है क्योंकि मुंबई और दिल्ली में थिएटर बंद थे इस कदम का फिल्म व्यापार विश्लेषकों और प्रदर्शनों ने महामारी के दौरान भारतीय सिनेमा की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित टर्निंग पॉइंट के रूप में स्वागत किया है मध्य पूर्व क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात ओमान कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन में फिल्म के लिए उन्नत बुकिंग रिलीज शेड्यूल से दो सप्ताह पहले उनतीस अप्रैल दो को शुरू हुई है शहरुख खान के बाद सलमान खान ने एक वीडियो कॉल पर बातचीत में सीमित नाटकीय रिलीज के कारण फिल्म के खराब संग्रह के लिए थिएटर मालिकों से माफ़ी मांगी सलमान खान ने महामारी कम होने पर नाटकी पुनः रिलीज़ की योजना रिलीज का भी आश्वासन दिया था जी प्लेक्स ने अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शुरुआत की कीमत दो सौ उनचास प्रतिदश बताई थी जिसमें उपयोगकर्ता डिजिटल स्ट्रीमिंग के साथ साथ प्रमुख डी सेवाओं के माध्यम से फिल्म देख सकते हैं इसके अलावा जी ने निराधे ताम्बो की घोषणा की और एक पैकेज जिसकी कीमत चार सौ निन्यानवे है जो उपयोगकर्ताओं को एक वर्ष के लिए फिल्म देखने और मंच की सामग्री तक पहुंचने की अनुमति देता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म को एप्पल टी वी पर किराए और स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था तो सलमान खान और जी स्टूडियो ने घोषणा की है कि फिल्म का राजस्व कोविड उन्नीस महामारी के कारण राहत कोष में दान दिया जाएगा ये फिल्म मूल रूप से 15 अक्टूबर 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था प्रारंभिक रिलीज पर फिल्म के वितरण अधिकार यस राज फिल्म को बेच दिए गए थे जिसमें टी सीरीज ने संगीत अधिकार हासिल किए हैं और अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल किए हैं लेकिन बाद में जनवरी दो में यह बताया गया था कि सलमान खान ने जी स्टूडियो के साथ एक नई डील साइन की थी और फिल्म के पूरे अधिकार नाटकीय डिजिटल सैटेलाइट और संगीत अधिकार सहित कंपनी को 230 करोड़ में बेच दिए हैं और बाद में महामारी की स्थिति का हवाला देते हुए सौदे पर फिर से बातचीत की गई है मई 2021 में संशोधित बोली 190 करोड़ थी तो फिल्म ने अठारह पॉइंट तैतीस करोड़ यू एस टू पॉइंट थ्री मिलियन से अधिक की कमाई की और जी फाइव पर ओ टी टी रिलीज के रूप में सफल स्वागत के बाद यह एक सीमित दूसरी रिलीज थी जिसे चौदह मिलियन से अधिक बार देखा गया था फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से बेहद नकारात्मक समीक्षाएँ प्राप्त हुई हैं समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट राटेंट हेमेटोज पर फिल्म को ग्यारह समीक्षाओं के आधार पर नौ परसेंट की पॉइंट सिक्स औसत की रेटिंग प्राप्त हुई है आई एम डी ने फिल्म को वन पॉइंट नाइन की दो वेबसाइट पर सलमान खान की सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म थी फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एम एम बेटी कैंडनी ने राधे को पाँच में से जीरो की रेटिंग दी है और लिखा है कि ये फिल्म इतनी सामान्य है कि एक बार देखने के बाद एच से कथानक को लिखना एक चुनौती होगी सलमान खान का प्रदर्शन इस तथ्य को दोहराता है कि वो नहीं देख रहे हैं दर्शकों से कोई मान्यता प्राप्त करने के लिए उनके हल्के में लेना उन्होंने मुख्य अभिनेत्री की स्क्रीन समय नहीं देने के लिए फिल्म की आलोचना करते हुए कहा है कि फिल्म अपनी नायिका को प्रदर्शन पर एक शरीर के अलावा कुछ नहीं मानती जिसका एकमात्र काम नायक को किसी से प्यार करना उसके साथ नृत्य करना और रक्षा करना द क्विंट की श्रुति घोष ने राधे को 0.5 की रेटिंग दी है और इसे किंग फेस्ट कहते हुए उन्होंने लिखा है कि राधे एक जोरदार संवेदनहीन और आक्रामक फिल्म है जिसमें महिलाओं पुलिसवर और सामान्य रूप से दर्शकों की बुद्धिमत्ता के प्रति बहुत कम सम्मान है उन्होंने आगे कहा है कि राधे निराशजनक के रूप में इस बात से अभिनज्ञ है कि यह कैसे पुलिस की बर्बरता और लगभग दस घून बारदम घोटने वाली है जहरीली मर्दांगनी को बढ़ावा देती है जिसे मस्त और सस्ते डिओकेट की तरह छिड़का जाता है द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने राधे को 0.5 की रेटिंग दी है और लिखा है कि राधे एक नासमझमतापूर्ण फिल्म है जिसे सलमान खान वो हर काम करते हैं जो उन्होंने लाखों बार किया है द हिंदुस्तान टाइम्स की सौम्या श्रीवास्तव ने राधे को एक अत्याचारपूर्ण फिल्म और सलमान खान की सबसे ख़राब फिल्मों में से एक कहा है उन्होंने राधे को एक कठिन फिल्म के रूप में वर्णित किया है और कहा है कि ये फिल्म कुछ भी नहीं बल्कि एक्शन दृश्यों का एक संग्रह है जिसमें दिशा की तंग पोशाकें कुछ डांस नंबर और अपुन कहने वाले गुंडे फिल्म्स के फिलर्स के रूप में काम करते हैं तो एन के शैवल चटर्जी ने फिल्म को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और लिखा है कि फिल्म कुछ हद हाँ तक सतही दुर्गंध के साथ हम पर बहुत सारा कचरा डालती है उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला है कि राधे में सलमान खान के कट्टर प्रशंसकों की रुचि बनाए रखने के लिए कोई प्रलोभन नहीं है व्यापार विश्लेषक तर्ण आदर्श ने राधे को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और इसे निदासजनक कहा है इसकी पटक कथा और लेखन को कमजोर बताते हुए उन्होंने लिखा है कि राधे अत्यधिक उम्मीदों की नहीं उतरती फिल्म में एक घिसा पिटा कथानक और नई पैकेजिंग के साथ एक पूर्व अनुमानित फार्मूला तैयार किया गया है फिल्म कंपेनियन की अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है कि सलमान खान अभिनीत फिल्म शिल्प से इतनी मुक्त है कि वो दुख होता है प्रभु देवा ने सलमान खान के पंथ के लिए एक और जोरदार स्तब्ध करने वाला निरर्थक भजन प्रस्तुत किया है द नेशनल हेलार्ड ने नम्रता जोशी से लिखा है कि राधे एक फिल्म का एक खाली वर्तन है जो बहुत तेज शोर मचाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है जिसका कोई मतलब नहीं है दिशा पटानी के किरदार के फेमिंग की आलोचना करते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि दिया खुद बेहद आक्रामक हैं ये सिर्फ निर्माताओं और सलमान खान ब्रह्मांड की बेहद रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाती है जहां पुरुष और महिलाएं शायद ही कभी बराबरी के रिश्ते में होती हैं जहां पुरुष महिला का स्व अभिषेक रक्षक है और महिला को किसी भी प्रकार की संपत्ति या अधिकार के रूप में देखा जाता है की किसरीनू साहू ने पुलिस की बर्बरता और बंदूक हिंसा और जहरीली मर्दांगनी का महिमा मंडल करने के लिए राधे की आलोचना की है उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि राधे न केवल संवादों के साथ बल्कि सफाई करने वाले दुष्ट पुलिसकर्मी के फार्मूले को भी दोहराया है और यह न्यूनतम एक बलात्कार हमले की कहानी को भी नहीं बच सकता वस्तु में फिल्म एक जैसी दिखती है और सलमान खान के पहले ही लोकप्रिय ब्रांड को बेचने के लिए ब्रोशर यह पूरी तरह से भाईपूर्ण है राधे फिल्म में दिशा पटानी जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो दिशा पटानी जी एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती हैं दिशा पटानी ने अपने अभिनी करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोफर 2015 से की और उनकी पहली हिंदी फिल्म बायोपिक एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी दो के साथ रिलीज हुई थी जिसके लिए उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल के लिए आइफा अवार्ड जीता और चीनी एक्शन कॉमेडी कु फूयोंगा दो में दिखाई देने के बाद पटानी ने बागीटू दो हज़ार मलिंग 2020 और एक बिलेन रिटर्न्स 2022 फिल्मों में प्रमुख महिलाओं की भूमिका निभाई है वो फोर्स इंडिया की 2019 हज़ार के सेलिब्रिटी शो सूची में दिखाई दी हैं तो फ्रेंड्स इनका जन्म 13 जून दो उन्नीस को बरेली उत्तर प्रदेश भारत में इनका जन्म हुआ था इनका अलमा मैटर है एम यूनिवर्सिटी लखनऊ पेशा है अभिनेत्री और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष दो से वर्तमान तक तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में तो दिशा पटानी जी का जन्म तेरह जून उन्नीस को बरेली उत्तर प्रदेश भारत में जन्मी हैं वो राजपूत हिंदू पृष्ठभूमि से हैं उनके पिता जगदीश सिंह पटानी एक पुलिस अधिकारी हैं और उनकी मां एक स्वास्थ्य निरीक्षक हैं उनकी बड़ी बहन खुशबू पटानी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट हैं उनका एक बहुत छोटा भाई सूर्यांश पटानी भी है उन्होंने एमटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है वो पांडस फेमिना मिस इंडिया इंदौर 2013 की पहली रनर अप थे तो दिशा पटानी ने सन 2015 में वरुण तेज के साथ तेलुगु फिल्म लोफर से डेब्यू किया था और उन्होंने मौनी नाम की लड़की की भूमिका निभाई जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भाग जाती हैं और पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित और के सी के इंटरटेनमेंट के तहत सी कल्याण द्वारा निर्मित यह फिल्म दो, दो, दो मिलियन के बजट पर बनाई गई और एक मिलियन के लाफ टाइम कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया था अगले वर्ष दिशा पटानी टाइगर शराब के साथ एक संगीत वीडियो बेफिरका में दिखाई दी थी जिसे टी सीरीज के तहत भूषण कुमार और कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित किया गया था और मीत प्रदर्श द्वारा संगीतबद्ध किया गया था मीत प्रदर्श द्वारा लिखित और निर्देशित गायिका अदिति सिंह शर्मा ने अपनी आवाज़ को दिया है तो दिशा पटानी को अपनी व्यवसायिक ब्रेक नीरज पांडे के एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से मिलता है जो एक जीवनी पर आधारित स्पोर्ट फिल्म है जो सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी की जीवन कहानी पर आधारित है उन्होंने एम एस धोनी के किरदार की प्रेमिका प्रियंका झा की भूमिका निभाई है जिसकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फाक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित है यह फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और 216 करोड़ यूएस 27 मिलियन के अनुमानित संग्रह के साथ एक बड़ी हिट थी बॉलीवुड हंगामा से तरण आदर्श और द इंडियन एक्सप्रेस से सुब्रा गुप्ता ने दोनों ने कहा है कि वो दिशा पटानी और अपनी फिल्मों में चमकदार थी अठारहवें आईफा अवार्ड्स में उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल का पुरस्कार जीता है इसके अलावा उन्होंने सोनू सूद के साथ जैकी चैन की कुंग फू योगा में अभिनय किया है इसके बाद दिशा पटानी ने टाइगर शराफ के साथ बागी टू में अभिनय किया जो टाइगर शराफ और श्रद्धा कपूर अभिनि 2016 की फिल्म बागी की अगली कड़ी और बागी फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित और अहमद खान द्वारा निर्देशित है बागी टू को 30 मार्च 2018 को समीक्षकों से मिली समीक्षाएं प्राप्त हुई थी इसके अलावा एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसाएं मिली थी एनडी टी वी से साइव चैटर्जी ने लिखा है कि दिशा पटानी एक सुंदर दृश्य है लेकिन उन्हें अपनी भूमिका केवल नींद में चलने की आवश्यकता है फिल्म ने दुनिया भर में लगभग दो करोड़ यूएस बत्तीस मिलियन की कमाई की और 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई थी तो जून 2019 में वो सलमान खान और कैटरीना कैफ अभिनीत एक्शन ड्रामा फिल्म भारत में संक्षिप्त रूप से दिखाई दी है रिलीज होने पर भारत को समीक्षकों से सकारात्मक क्षमताएं प्राप्त हुई हैं और इसने अपने जीवन काल में के रूप से तीन करोड़ की कमाई की है और व्यवसायिक रूप से सफल भी रही है ने 2020 की शुरुआत आदित्य राय कपूर के साथ एक्शन थ्रिलर रिलीज मलंग से की है जिसमें अनिल कपूर और कृणाल खेमू भी थे फिल्म को इसके संगीत एक्शन दृश्य और निर्देशन और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसाएं मिली हैं बॉलीवुड हंगामा के लिए लेखन में कहा गया है कि दिशा पटानी को शायद अब तक की सबसे अधिक स्क्रीन समय मिलता है और वो बहुत खूबसूरत दिखती हैं दिल छू लेने वाले प्रदर्शन करती हैं मलंग ने चौरासी पॉइंट पचास करोड़ कमाए हैं और यूएस एस ग्यारह मिलियन दुनिया भर में इस प्रकार व्यवसायिक रूप से सफल रही है मार्च 2020 में वो टाइगर श्राफ और सिद्धा कपूर अभिनीत फिल्म बागी थ्री के एक गाने में दिखाई दी हैं जो बागी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है ईशा पटानी अगली बार प्रभु देवा की एक्शन फिल्म राधे में दिखाई दी हैं जिसमें वो इस बार सलमान खान के साथ उनकी प्रमुख महिला के रूप में फिर से दिखाई दी हैं को इल उर्फितर के मौके पर G5 के माध्यम से जी फ्लेक्स और प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड के रूप में रिलीज किया गया था हालांकि राधे को आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं जिन्होंने कहानी पटक कथा निर्देशन और वी एफ एक्स की आलोचना की है ये एक बड़ी ओ टी टी सफलता बन गई है चार पॉइंट टू मिलियन व्यूज के साथ यह रिलीज के दिन सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ओ टी टी फिल्म बन गई है दो हजार बाईस में उन्होंने जान अब्राहम तारा सुतारिया और अर्जुन कपूर के साथ मोहित सूरी की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर एक विलेन रिटर्न

में नजर आएगी जिसमें प्रभाष अमिताभ बच्चन और दीपिका पातकोण मुख्य भूमिका में होंगी दिशा पटानी को 2016 में गूगल पर सबसे अधिक खोजने वाली हस्तियों की सूची में पांचवें स्थान पर रखा गया था वो सत्तावन पॉइंट पाँच मिलियन से अधिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलोअरों की जाने वाली हस्तियों में से एक हैं और दो की पटानी फोर्स इंडिया ने सेलिब्रिटी सौ सूची में शामिल हुई हैं और अट्ठावन मिलियन यू एस हज़ार की अनुमानित वार्षिक आय के साथ तैंतालीसवें स्थान पर रही है दिशा पटानी को अक्सर टाइम्स की 50 सबसे वांछनीय महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है और सन 2017 में 19वें और 2018 में नवें स्थान पर रही हैं पटानी को सन 2019 में टाइम्स की सबसे वांछनीय महिला का नाम दिया गया है और 2020 में तीसरा स्थान दिया गया है दिशा पटानी जाय पर्सनल केयर सहित ब्रांडों और उत्पादों के लिए प्रमुख सेलिब्रिटी इंडोसर भी हैं हैंटा फुटबियर और पार्सल घड़िया पटानी ने इंदौर में दो हजार सत्रह में इंडियन प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन किया और मार्च दो में दिशा पटानी ने अक्षय कुमार मोनी राय नूरा फतेही सोनम बाजवा अपरा शक्ति खुराना स्टेविन बेन और जहरा एस खान के साथ द इंटरटेनर्स टूर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया है तो फ्रेंड्स राधे फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रभु देवा जी ने प्रभु देवा जी एक भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर फिल्म निर्देशक निर्माता और अभिनेता हैं जिन्होंने मुख्य रूप से तमिल हिंदी तेलुगु और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में काम किया है बत्तीस साल के कैरियर में उन्होंने नृत्य शैलियों का प्रदर्शन और डिजाइन किया है और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रियों के लिए दो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और सन दो में नृत्य में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है तो फ्रेंड्स इनका जन्म तीन अप्रैल उन्नीस को मैसूर राज्य भारत में हुआ था तो इनका व्यवसाय अभिनेता निर्देशक नृत्य कोरियोग्राफ निर्माता हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष उन्नीस से वर्तमान तक इनकी जीवन संगनी है रामलथ इनके चार बच्चे हैं तो सन उन्नीस और 2000 के दशक की शुरुआत में अभिनय भूमिकाओं की एक श्रृंखला के साथ शुरुआत करते हुए प्रभुदेवा ने मिनसारा कानाउ उन्नीस सौ और वी आई पी उन्नीस सौ सत्तानवे सहित कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है कथला कथला उन्नीस सौ अट्ठानवे में वन थाई पोला दो हजार में पेनिन मना थाई थोटू दो हजार में अल्लाई थंग धा वन दो हज़ार एक और एंगल अन्ना दो हज़ार चार में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के लिए इसके बाद प्रभुदेवा ने अपनी पिछली फिल्मों की सफलता को दोहराने में सफल नहीं रहे वो असफल रहे उनका बॉक्स ऑफिस मूल्य कम होने लगा और बाद में उन्होंने तमिल में सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया इसके बाद उन्होंने दो हज़ार पाँच की तेलुगु फिल्म नवोस्तानते नैनो ताना के सफलतापूर्वक निर्देशन में कदम रखा और अपने परियोजना की सफलता ने प्रभुदेवा को निर्देशक के रूप में आगे के प्रस्ताव दिए हैं इसके बाद उन्होंने तमिल तेलुगु और हिंदी भाषाओं में पोकरी 2007 और शंकर दादा जिंदाबाद 2007 और वांटेड 2009 हज़ार नौ 2012 दो, दो और आर आर राजकुमार दो जैसी अत्यधिक लाभदायक फिल्में बनाई हैं सिंह इज लिविंग तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में तो प्रभु देवा जी का जन्म 3 अप्रैल उन्नीस को मंसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक में मुंगरू सुंदर और महादेवम्मा सुंदर के घर हुआ था अपने पिता मुंगरू सुंदर और दो दक्षिण भारतीय फिल्मों के कोरियोग्राफर थे जो प्रेरित होकर उन्होंने नृत्य करना शुरू किया और धर्मराज और लक्ष्मी नारायण से भरतनाट्यम जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप सीखे और साथ ही साथ पश्चिमी शैलियाँ भी सीखी राजू सुंदरम और नागेंद्र प्रसाद उनके भाई हैं देवा पहली बार तमिल फिल्म मोना रागनम 1986 के गीत पनविजुम इराऊ में बांसुरी बजाते हुए एक लड़के के रूप में दिखाई दिए थे बाद में 1988 की तमिल फिल्म अग्नि चटचरितम के एक गाने में बैकग्राउंड डांसर के रूप में अग्नि में दिखाई दिए थे और कोरियोग्राफ के रूप में प्रभु देवा का पहला उद्यम कमल हसन अभिनीत वेटरी वीजा उन्नीस सौ नवासी था तब से उन्होंने सौ से अधिक फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी की है और कोरियोग्राफी में वो एक्टिंग में आए हैं सन उन्नीस सौ निन्यानवे में प्रभुदेवा ने शोभना और ए आर रहमान ने मोनिक जर्मनी में एम जे एंड फ्रेंड्स माइकल जैक्सन श्रद्धांजलि समारोह में तमिल सिनेमा में नृत्य मंडली के प्रदर्शन किया है साथ में और 2010 और वो सिंगापुर में प्रभु देवा की नृत्य अकादमी के अध्यक्ष और निर्देशक के रूप में कार्यरत थे 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो प्रभु देवा द्वारा निर्देशित है और सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री जी स्टूडियो द्वारा निर्मित है ये 2017 की दक्षिण कोरियाई फिल्म द आउट की रीमेक है इसमें सलमान खान दिशा पटानी रणदीप हुड्डा और जैकी शराफ हैं तो राधे फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रभुदेवा जी ने और इस फिल्म को लिखा है एसी मुगिल और विजय मौर्य ने तो इस फिल्म को उत्पादित किया है सलमान खान सोहेल खान अग्निहोत्री और निखिल अमित जी ने इस फिल्म को अभिनीत किया है सलमान खान दिशा पटानी रणदीप हुड्डा जेके श्राफ जी ने और इस फिल्म को छांकित किया है अयानका बोस जी ने और इसे संपादित किया है रितेश सोनी ने गाने के बोल हैं देवी श्री प्रसाद और हिमेश रेशमिया और साजिद वाजिद जी के और पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किया है संचित बलहरा और अंकित बलहरा ने उत्पादन कंपनी है जी स्टूडियो और सलमान खान फिल्म सुहेल खान प्रोडक्शन लील राइफ़ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के तहत इसे उत्पादित किया गया है और इस फिल्म को वितरित किया है जी स्टूडियोज ने और यह मूवी रिलीज हुई थी तेरह मई 2021 को देश भारत भाषा हिंदी में अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था नब्बे करोड़ रुपए का अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था अट्ठारह करोड़ रुपये का तो राधे मूल रूप से बाईस मई दो हज़ार बीस को नाटकीय रूप से रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड उन्नीस महामारी के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था फिल्म अनंत में तेईस मई दो हजार इक्कीस को ईद उल फितर के अवसर पर भारत में जी फाइव के माध्यम से जी प्लेक्स पर प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड के रूप में विदेशों में नाटकीय के रिलीज के साथ रिलीज हुआ था हालांकि राधे को आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं जिन्होंने कहानी पटक कथा निर्देशन मौलिकता रसायन शास्त्र और बी की आलोचना की है यह एक बड़ी ओ सफलता बन गई है चार मिलियन व्यूज के साथ यह रिलीज के दिन सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली ओ फिल्म बन गई है

वो आदमी मंसूर भाई का साथी है राणा ने केवल कॉलेज के छात्रों को बल्कि स्कूली बच्चों को भी ड्रग्स बेचना शुरू कर देता है इसके चलते पिछले तीन महीने में नशे की लत के कारण बारह लोगों ने आत्महत्या कर ली है मुंबई पुलिस ने राणा को रोकने के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा लेकिन उन्होंने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ दिया और मार दिया गया पुलिस बल ने मामले में एक गुप्त पुलिस अधिकारी राधे को भेजने का फैसला किया और वो नौकरी स्वीकार करता है राधे की मुलाकात एक मॉडल दिया अभयंकर से होती है और उसे उस प्यार हो जाता है राधे ने उसे बताया कि वो एक महत्वाकांक्षी मॉडल है और उसका नाम भोलू है दिया को धीरे धीरे राधे से प्यार हो जाता है साथ ही अधिकारियों से राधे को पता चलता है कि दो गिरोह हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं पहले गिरोह का नेतृत्व दिलावर करता है और दूसरे गिरोह का नेतृत्व दगंडू दादा करते हैं दोनों गैंग आपस में भिड़े हुए हैं राधे ने दादा सहित दगांडू दादा के गिरोह के सभी लोगों को हरा दिया है राधे दादा कि एक आदमी को गिरफ्तार करता है और उससे पूछताछ करता है और वो उससे बताता है कि दिलावर का भाई ड्रग्स का कारोबार अच्छा। है। 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 राधे दिलावर के इलाके में जाता है और उन्हें मंसूर को लाने की धमकी देता है दिलावर सहमत हो जाते हैं लेकिन राधे दिलावर को गिरफ्तार कर लेते हैं वो दिलावर और दादा को एक दूसरे के साथ शांति का एहसास कराते हैं राणा ने मंसूर के साथ काम मिलकर काम किया है और उन्होंने दिलावर को अपनी ओर आकर्षित भी किया है तो राणा और उनके गुर्गों ने दिलावर की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी थी बाद में राधे को पता चलता है कि दिया राधे के वरिष्ठ अधिकारी अविनाश अभयंकर की बहन है अविनाश उनके रिश्ते को स्वीकार करता है राणा और उसके गार्ड दादा के गिरोह के सदस्यों को मार देते हैं अगले दो दिन में राणा और अधिक ड्रग्स बेचता है राधे की जानकारी मिलती है कि राणा और उसके गार्ड एलाइड पीडी क्लब में जाएंगे राधे पब में जाता है और टॉयलेट में राणा से लड़ता है राधे को राणा और उसके गार्डन द्वारा पीटा जाता है पुलिस ने पहुंचते ही वो वहां से भाग जाता है दिया को पता चलता है कि राधे एक पुलिस अधिकारी है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है राधे मंशूर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपने पक्ष में शामिल होने के लिए मना लेती है तो राधे दगडू की मदद से राणा के गार्डों की पिटाई करता है लेकिन उनमें से एक भाग जाता है और राणा को सूचित करता है कि बदला लेने के लिए राणा ने दगड़ू को मार डाला है राधे को अच्छा माना जाता है और किसी अन्य अधिकारी को मामला सौंप दिया जाता है अविनाश की मदद से राधे छिप अपना काम जारी रखता है और इस बीच राणा का एक गार्ड जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था दो पुलिस अधिकारियों से मिलता है और वे एक सौदा करते हैं यदि गार्ड उन्हें मादक पदार्थ उपलब्ध कराता है तो अधिकारी उसे भागने देंगे और गार्ड सौदा स्वीकार कर लेता है तब पता चलता है कि दोनों अधिकारियों को राधे ने एक चाल के तौर पर काम पर रखा था राणा का गार्ड बाद में अधिकारियों से मिलता है और राधे को पकड़ लिया जाता है राणा को पता चलता है कि मंसूर राधे के साथ काम करता है और उसे मार डालता है राधे स्कूली छात्रों से मदद मांगता है और वे स्वीकार करते हैं और राणा के गिरोह और उन लोगों की तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं जो कि राधे को ड्रग्स की आपूर्ति करते हैं जो अपने साथी पुलिस अधिकारियों के साथ उन सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं नाम के एक पुलिस अधिकारी को राणा ने पकड़ लिया है राणा उसे मारने वाला है लेकिन राधे उसे बचा लेता है राणा वहां से भाग जाता है और राधे उसका पीछा करता है लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नजरों से ओझल हो जाता है अगले दिन राणा के कुछ गार्ड जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है भाग निकले राणा के साथ हेलीकॉप्टर में बैठने वाले एक गार्ड को छोड़कर राधे उनमें से अधिकांश को मार देता है राणा की योजना मुंबई से दूर जाकर कहीं और दवा का कारोबार शुरू करने की कोशिश करते हैं राधे हेलीकॉप्टर पर कूदता है और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिसमें गार्ड की मौत हो जाती है अविनाश आते हैं और राणा को मारने की कोशिश भी करते हैं लेकिन राणा अविनाश की पिटाई करता है और उसे मारने वाले होते हैं राधे अविनाश को बचाते हैं और राणा से लड़ते हैं राधे हावी हो जाते हैं और राणा को मार डालते हैं तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो दिया के प्रेमी राधे के रूप में सलमान खान जी हैं और दिया अभ्यंकर के रूप में दिशा पटानी हैं राधे की प्रेमिका और अविनाश की बहन हैं राणा के रूप में रणदीप हुड्डा मुख्य प्रतिपक्षी हैं एसीपी क्राइम ब्रांच अविनाश अभियंकर के रूप में जय श्राप हैं, राधे के वरिष्ठ अधिकारी और दिया के भाई हैं दिलावर के रूप में सुधांशु पांडे हैं निक्सा के रूप में मेघा आकाश हैं भरत इंस्पेक्टर सर्वेश के रूप में हैं, गिरगिट के रूप में गौतम गुलाटी हैं, गोविंद नामदेव संयुक्त आयुक्त तो आईजी रमेश पाटिल के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं दगाडू दादा के रूप में प्रवीण ताडे हैं और दर्शन जरीवाला ग्रह सचिव के रूप में हैं रंजीत मावनी के रूप में सिद्धार्थ जाधव हैं मंसूर के रूप में अर्जुन कानूनगो हैं मंसूर की पत्नी नसरीन के रूप में इहाना ढिल्लो हैं रणवीर के रूप में नौफल अजमेर खान हैं और सावर अली विपुल शाह के रूप में हैं एसीपी अर्जुन के रूप में विश्वजीत प्रधान हैं जय के रूप में वी एंडी एक फोटोग्राफर हैं मोर कृष्ण के रूप में कुलविंदर वारवाल हैं और अली के रूप में विजय सिंह हैं लोटा के रूप में सांगे शैटिम हैं और सुमित के रूप में आर एन अरोड़ा हैं सुमित चंद्रा समाचार रिपोर्टर के रूप में हैं सुमित की बहन के रूप में श्रुति विष्ट हैं और सुमित की मां के रूप में परवीन कौर हैं अनजान के रूप में मितांश लुतुल्ला हैं और मिकी मखीजा मुंबई पुलिस आयुक्त के रूप में हैं हीरालाल के रूप में प्रवेश राणा हैं और मन्नू के रूप में शुभंगन त्रिपाठी हैं मकान मालिक के रूप में कमाल मलिक हैं और शायरा के रूप में नैन्सी जैन हैं सलीम बेग निजामुद्दीन के रूप में हैं अजय सिंह अपराध शाखा अधिकारी के रूप में हैं अपराध शाखा अधिकारी के रूप में संजीव शर्मा हैं जैकलीन फर्नांडीज दिल दे दिए गाने में एक विशेष उपस्थिति में अपनी रोल को प्ले कर रही हैं तो आइए जानते हैं इस फिल्म के विकास दर के बारे में तो सितम्बर 2019 में मीडिया रिपोर्टरों ने अनुमान लगाया है कि प्रभु देवा दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशन करेंगे और इसे ईद उल फितर दो बाईस मई 2020 के अवसर पर रिलीज किया जाएगा जिस तारीख को शहरुख सलमान खान की रुकी हुई फिल्म इन की के रिलीज होने की अटकलें थी डेक्कन कानकाल के एक लेखक ने लेख में लिखा गया है कि परियोजना का उल्लेख वांटेड 2009 की अगली कड़ी के रूप में किया गया है इसका शीर्षक वांटेड 2 रखा गया है लेकिन निर्माताओं की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है अक्टूबर 2019 में ये भी बताया गया है कि ये फिल्म 2017 की दक्षिण कोरियाई फिल्म द आउट की रीमेक है तो 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से फिल्म का शीर्षक राधे इसे ईद 2020 में पुष्टि की जा रही है तो भारत के बाद सलमान खान के साथ उनके दूसरे सहयोग में दिशा पटानी रणदीप हुड्डा और जैकी शराब को महत्वपूर्ण भूमिका मिल लिया गया है नवम्बर दो में भारत श्रीनिवास ने फिल्म का हिस्सा होने की सूचना मिली थी गौतम गुलाटी ने फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है और फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी एक नवम्बर दो को शुरू हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल चार नवम्बर को मुंबई के महबूब स्टूडियो में हुआ था सलमान खान ने सेट पर कलाकारों और चालक दल के सदस्यों के लिए एक नए निर्देशकों की शुरुआत की जिसका उद्देश्य सेट पर अनुशासन बनाए रखने और नए लोगों को जूनियरों की मदद के लिए एक मित्र प्रणाली बनाए रखने में जोर देना था तो फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ था जहां सलमान खान और हुड्डा के कुछ पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए थे क्लाइमेक्स शाट के लिए निर्माताओं के दृश्य प्रभावों पर 7.5 करोड़ खर्च किए और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल की परियोजना बनाई है जिसे बाद में कोविड उन्नीस के प्रकोप के कारण रद्द कर दिया गया था और ये भी बताया गया था कि सलमान खान अपने फार्म हाउस पर फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम कर रहे थे हालांकि सलमान खान के मैनेजर ने दावा किया है कि पोस्ट प्रोडक्शन की कोई योजना नहीं थी क्योंकि सभी प्रोडक्शन कार्य निर्देशकों के अनुसार रोक दिए गए थे सरकार फिल्म की शूटिंग 4 अक्टूबर 2020 को फिर से शुरू हो गई थी और जहाँ कुछ पैचवर्क दृश्य और सलमान खान और पठानी पर एक गाना फिल्माया गया था फिल्म चौदह अक्टूबर दो को पूरी हो गई थी फिल्म का साउंड ट्रैक साजिद वाजिद द्वारा रचित है और देवी प्रसाद भी हैं और हिमेश रेशमिया द्वारा भी रचित है जबकि गीत सभी अहमद साजिद खान और कृणाल वर्मा द्वारा लिखे गए हैं फिल्म का इसको संचित बलहरा और अंकित बलहरा द्वारा रचित है तो राजे वा, राधे वाजिद खान साजिद वाजिद जोड़ी में से एक है और मरण प्रधान कृति और शीर्षक ट्रैक जून 2020 में उनकी मृत्यु से पहले उनकी आखिरी रचना थी यह इसे साजिद खान का पहला एकल एल्बम बनाता है और प्रसाद ने तेलुगु फिल्म डीचे दुवद्दा जगन्नाथम दूसरे सत्रह से अपने गीत सी मार को फिर से बनाया है हेमेश सिमिया ने फिल्म में एक गाना भी गाया है इस फिल्म में कुल चार गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक सीटी मार इसे सबीर अहमद देवी श्री प्रसाद और कमाल खान और यूलिया ने गाया है नंबर दो दिल दे दिया इसे सबीर अहमद और हेमेश रेशमिया और गाया है कमाल खान और पायल देवनी नंबर तीन राधे टाइटल ट्रैक इसे साजिद खान के बोल हैं और साजिद वाजिद हैं और साजिद खान ने अपनी आवाज़ दी है नंबर चार झूम झूम इसे गाए कुणाल वर्मा साजिद वाजिद और एस किंग यूलिया वंतूर साजिद खान ने तो फ्रेंस तेरह मई दो हज़ार इक्कीस को राधे की सीमित नाटकी रिलीज हुई थी जिसे 21 अप्रैल 2021 को सलमान खान ने आगे घोषणा की है कि फिल्म सभी परिचालन थिएटरों में रिलीज होगी और जी फ्लेक्स के माध्यम से पर व्यू और डिजिटल स्ट्रीमिंग विधि में जी फाइव और ये हाइब्रिड रिलीज वाली भारतीय फिल्म बन गई है क्योंकि मुंबई और दिल्ली में थिएटर बंद थे इस कदम का फिल्म व्यापार विश्लेषकों और प्रदर्शनों ने महामारी के दौरान भारतीय सिनेमा की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित टर्निंग पॉइंट के रूप में स्वागत किया है मध्य पूर्व क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात ओमान कुबैत सऊदी अरब और बहरीन में फिल्म के लिए उन्नत बुकिंग रिलीज शेड्यूल से दो सप्ताह पहले उनतीस अप्रैल दो को शुरू हुई है शहरुख खान के बाद सलमान खान ने एक वीडियो कॉल पर बातचीत में सीमित नाटकी रिलीज के कारण फिल्म के खराब संग्रह के लिए थिएटर मालिकों से माफ़ी मांगी सलमान खान ने महामारी कम होने पर नाटकी पुनः रिलीज की योजना का भी आश्वासन दिया था जी प्लेक्स ने अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शुरुआत की कीमत दो सौ उनचास प्रतिदश बताई थी जिसमें उपयोगकर्ता डिजिटल स्ट्रीमिंग के साथ साथ प्रमुख डी सेवाओं के माध्यम से फिल्म देख सकते हैं इसके अलावा जी ने राधे काम्बो की घोषणा की और एक पैकेज जिसकी कीमत चार सौ निन्यानवे है जो उपयोगकर्ताओं को एक वर्ष के लिए फिल्म देखने और मंच की सामग्री तक पहुंचने की अनुमति देता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म को एप्पल टीवी पर किराए और स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था तो सलमान खान और जी स्टूडियो ने घोषणा की है कि फिल्म का राजस्व कोविड उन्नीस महामारी के कारण राहत कोष में दान दिया जाएगा यह फिल्म मूल रूप 15 अक्टूबर 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था प्रारंभिक रिलीज पर फिल्म के वितरण अधिकारी यश राज फिल्म को बेच दिए गए थे जिसमें टी हैं लेकिन बाद में जनवरी दो में यह बताया गया था कि सलमान खान ने जी स्टूडियो के साथ एक नई डील साइन की थी और फिल्म के पूरे अधिकार नाटकीय डिजिटल सैटेलाइट और संगीत अधिकार सहित कंपनी को 230 करोड़ में बेच दिए हैं और बाद में महामारी की स्थिति का हवाला देते हुए सौदे पर फिर से बातचीत की गई है मई 2021 में संशोधित बोली 190 करोड़ थी तो फिल्म ने अठारह पॉइंट तैतीस करोड़ यू एस टू पॉइंट थ्री मिलियन से अधिक की कमाई की और जी फाइव पर ओ टी टी रिलीज के रूप में सफल स्वागत के बाद यह एक सीमित दूसरी रिलीज थी जिसे चौदह मिलियन से अधिक बार देखा गया था फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से बेहद नकारात्मक समीक्षाएँ प्राप्त हुई हैं समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट राटेंट हेमेटोज पर फिल्म को ग्यारह समीक्षाओं के आधार पर नौ परसेंट की पॉइंट सिक्स औसत की रेटिंग प्राप्त हुई है आई एम डी ने फिल्म को वन पॉइंट नाइन की दो वेबसाइट पर सलमान खान की सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म थी फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एम एम बेटी कैंडनी ने राधे को पाँच में से जीरो की रेटिंग दी है और लिखा है कि ये फिल्म इतनी सामान्य है कि एक बार देखने के बाद एच से कथानक को लिखना एक चुनौती होगी सलमान खान का प्रदर्शन इस तथ्य को दोहराता है कि वो नहीं देख रहे हैं दर्शकों से कोई मान्यता प्राप्त करने के लिए उनके हल्के में लेना उन्होंने मुख्य अभिनेत्री की स्क्रीन समय नहीं देने के लिए फिल्म की आलोचना करते हुए कहा है कि फिल्म अपनी नायिका को प्रदर्शन पर एक शरीर के अलावा कुछ नहीं मानती जिसका एकमात्र काम नायक को किसी से प्यार करना उसके साथ नृत्य करना और रक्षा करना द क्विंट की श्रुति घोष ने राधे को 0.5 की रेटिंग दी है और इसे किंग फेस्ट कहते हुए उन्होंने लिखा है कि राधे एक जोरदार संवेदनहीन और आक्रामक फिल्म है जिसमें महिलाओं पुलिसवर और सामान्य रूप से दर्शकों की बुद्धिमत्ता के प्रति बहुत कम सम्मान है उन्होंने आगे कहा है कि राधे निराशजनक के रूप में इस बात से अभिनज्ञ है कि यह कैसे पुलिस की बर्बरता और लगभग दस घून बारदम घोटने वाली है जहरीली मरदांगनी को बढ़ावा देती है जिसे मस्त और सस्ते डिओकेट की तरह छिड़का जाता है द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने राधे को जीरो पॉइंट फाइव की रेटिंग दी है और लिखा है कि राधे एक नासमझमतापूर्व फिल्म है जिसे सलमान खान वो हर काम करते हैं जो उन्होंने लाखों बार किया है द हिंदुस्तान टाइम्स की सौम्या श्रीवास्तव ने राधे को एक अत्याचारपूर्ण फिल्म और सलमान खान की सबसे ख़राब फिल्मों में से एक कहा है उन्होंने राधे को एक कठिन फिल्म के रूप में वर्णित किया है और कहा है कि यह फिल्म कुछ भी नहीं बल्कि एक्शन दृश्यों का एक संग्रह है जिसमें दिशा की तंग पोशाकें कुछ डांस नंबर और अपुन कहने वाले गुंडे फिल्म के फिलर्स के रूप में काम करते हैं तो एन के सवल चटर्जी ने फिल्म को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और लिखा है कि फिल्म कुछ हद हाँ तक सतही दुर्गंध के साथ हम पर बहुत सारा कचरा डालती है उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला है कि राधे में सलमान खान के कट्टर प्रशंसकों की रुचि बनाए रखने के लिए कोई प्रलोभन नहीं है व्यापार विश्लेषक तर्ण आदर्श ने राधे को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और इसे निदासजनक कहा है इसकी पटक कथा और लेखन को कमजोर बताते हुए उन्होंने लिखा है कि राधे अत्यधिक उम्मीदों की नहीं उतरती फिल्म में एक घिसा पिटा कथानक और नई पैकेजिंग के साथ एक पूर्व अनुमानित फार्मूला तैयार किया गया है फिल्म कंपेनियन की अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है कि सलमान खान अभिनित फिल्म शिल्प से इतनी मुक्त है कि वो दुख होता है प्रभु देवा ने सलमान खान के पंथ के लिए एक और जोरदार स्तब्ध करने वाला निरर्थक भजन प्रस्तुत किया है द नेशनल हेलार्ड ने नम्रता जोशी से लिखा है कि राधे एक फिल्म का एक खाली वर्तन है जो बहुत तेज शोर मचाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है जिसका कोई मतलब नहीं है दिशा पटानी के किरदार के फेमिंग की आलोचना करते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि दिया खुद बेहद आक्रामक हैं ये सिर्फ निर्माताओं और सलमान खान ब्रह्मांड की बेहद रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाती है जहां पुरुष और महिलाएं शायद ही कभी बराबरी के रिश्ते में होती हैं जहां पुरुष महिला का अभिषेक रक्षक है और महिला को किसी भी प्रकार की संपत्ति या अधिकार के रूप में देखा जाता है मैसबल किसरीनू साहू ने पुलिस की बर्बरता और बंदूक हिंसा और जहरीली मर्दांगनी का महिमा मंडल करने के लिए राधे की आलोचना की है उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि राधे न केवल संवादों के साथ बल्कि सफाई करने वाले दुष्ट पुलिसकर्मी के फार्मूले को भी दोहराया है और यह न्यूनतम एक बलात्कार हमले की कहानी को भी नहीं बच सकता वस्तु में फिल्म एक जैसी दिखती है और सलमान खान के पहले ही लोकप्रिय ब्रांड को बेचने के लिए ब्रोशर यह पूरी तरह से भाईपूर्ण है राधे फिल्म में दिशा पटानी जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो दिशा पटानी जी एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती हैं दिशा पटानी ने अपने अभिनी करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोपर 2015 से की और उनकी पहली हिंदी फिल्म बायोपिक एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी दो के साथ रिलीज हुई थी जिसके लिए उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल के लिए आइफा अवार्ड जीता और चीनी एक्शन कॉमेडी कु फूयोंगा दो में दिखाई देने के बाद पटानी ने बागी टू दो मलिंग 2020 और एक बिलेन रिटर्न्स 2022 फिल्मों में प्रमुख महिलाओं की भूमिका निभाई है वो फोर्स इंडिया की 2019 की सेलिब्रिटी शो सूची में दिखाई दी हैं तो फ्रेंड्स इनका जन्म 13 जून दो उन्नीस को बरेली उत्तर प्रदेश भारत में इनका जन्म हुआ था इनका अलमा मैटर है एम यूनिवर्सिटी लखनऊ पेशा है अभिनेत्री और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष दो से वर्तमान तक तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में तो दिशा पटानी जी का जन्म तेरह जून उन्नीस को बरेली उत्तर प्रदेश भारत में जन्मी हैं वो राजपूत हिंदू पृष्ठभूमि से हैं उनके पिता जगदीश सिंह पटानी एक पुलिस अधिकारी हैं और उनकी मां एक स्वास्थ्य निरीक्षक हैं उनकी बड़ी बहन खुशबू पटानी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट हैं उनका एक बहुत छोटा भाई सूर्यांश पटानी भी है उन्होंने एमटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है वो पांडस फेमिना मिस इंडिया इंदौर 2013 की पहली रनर अप थे तो दिशा पटानी ने सन 2015 में वरुण तेज के साथ तेलुगु फिल्म लोफर से डेब्यू किया था और उन्होंने मौनी नाम की लड़की की भूमिका निभाई जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भाग जाती हैं और पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित और सीके के सी के इंटरटेनमेंट के तहत सी कल्याण द्वारा निर्मित यह फिल्म दो, दो मिलियन के बजट पर बनाई गई और एक मिलियन के लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया था अगले वर्ष दिशा पटानी टाइगर शराब के साथ एक संगीत वीडियो बेफिरका में दिखाई दी थी जिसे टी सीरीज के तहत भूषण कुमार और कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित किया गया था और मीत प्रदर्शन द्वारा संगीतबद्ध किया गया था मीत प्रदर्श द्वारा लिखित और निर्देशित गायिका अदिति सिंह शर्मा ने अपनी आवाज़ को दिया है तो दिशा पटानी को अपनी व्यावसायिक ब्रेक नीरज पांडे के एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से मिलता है जो एक जीवनी पर आधारित स्पोर्ट फिल्म है जो सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी की जीवन कहानी पर आधारित है उन्होंने एम एस धोनी के किरदार की प्रेमिका प्रियंका झा की भूमिका निभाई है जिसकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फाक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित है यह फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और 216 करोड़ यूएस 27 मिलियन के अनुमानित संग्रह के साथ एक बड़ी हिट थी बॉलीवुड हंगामा से तरण आदर्श और द इंडियन एक्सप्रेस से सुब्रा गुप्ता ने दोनों ने कहा है कि वो दिशा पठानी और अपनी फिल्मों में चमकदार थी अठारहवें आईफा अवार्ड्स में उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल का पुरस्कार जीता है इसके अलावा उन्होंने सोनू सूद के साथ जैकी चैन की कुंग फू योगा में अभिनय किया है इसके बाद दिशा पटानी ने टाइगर शराफ के साथ बागी टू में अभिनय किया जो टाइगर शराफ और श्रद्धा कपूर अभिनय 2016 की फिल्म बागी की अगली कड़ी और बागी फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित और अहमद खान द्वारा निर्देशित है बागी टू को 30 मार्च 2018 को समीक्षकों से मिली समीक्षाएं प्राप्त हुई थी इसके अलावा एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसाएं मिली थी एनडी टी से साइवल चटर्जी ने लिखा है कि दिशा पटानी एक सुंदर दृश्य है लेकिन उन्हें अपनी भूमिका केवल नींद में चलने की आवश्यकता है फिल्म ने दुनिया भर में लगभग दो करोड़ यूएस बत्तीस मिलियन की कमाई की और 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई थी तो जून 2019 में वो सलमान खान और कटरीना कैफ अभिनीत एक्शन ड्रामा फिल्म भारत में संक्षिप्त रूप से दिखाई दी है रिलीज होने पर भारत को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं और इसने अपने जीवन काल में के रूप से तीन करोड़ की कमाई की है और व्यवसायिक रूप से सफल भी रही है उन्होंने दो की शुरुआत आदित्य राय कपूर के साथ एक्शन थ्रिलर रिलीज मलंग से की है जिसमें अनिल कपूर और कृणाल खेमू भी थे फिल्म को इसके संगीत एक्शन दृश्य और निर्देशन और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसाएं मिली हैं बॉलीवुड हंगामा के लिए लेखन में कहा गया है कि दिशा पटानी को शायद अब तक की सबसे अधिक स्क्रीन समय मिलता है और वो बहुत खूबसूरत दिखती हैं दिल छू लेने वाले प्रदर्शन करती हैं मलंग ने चौरासी पॉइंट पचास करोड़ कमाए हैं और यूएस ग्यारह मिलियन दुनिया भर में इस प्रकार व्यवसायिक रूप से सफल रही है मार्च 2020 में वो टाइगर श्राफ और सिद्धा कपूर अभिनीत फिल्म बागी थ्री के एक गाने में दिखाई दी हैं जो बागी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है ईशा पटानी अगली बार प्रभु देवा की एक्शन फिल्म राधे में दिखाई दी हैं जिसमें वो इस बार सलमान खान के साथ उनकी प्रमुख महिला के रूप में फिर से दिखाई दी हैं फिल्म को इल उर्फितर के मौके पर जी फाइव के माध्यम से जीप्लेक्स और प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड के रूप में रिलीज किया गया था हालांकि राधे को आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं जिन्होंने कहानी पटक कथा निर्देशन और वी की आलोचना की है ये एक बड़ी ओ सफलता बन गई है चार मिलियन व्यूज के साथ ये रिलीज के दिन सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ओ फिल्म बन गई है दो में उन्होंने जान अब्राहम तारा सुतारिया और अर्जुन कपूर के साथ मोहित सूरी की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर एक विलेन रिटर्न में अभिनय किया है फिल्म को समीक्षकों से मिली जुड़ी समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं और पर इसका प्रदर्शन रहा है, है, है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ करण जौहर की योद्धा की शूटिंग पूरी की और दो के मध्य में उन्होंने सूर्य के साथ अपनी पहली तमिल फिल्म कंगुआ साइन की वो 2024 में रिलीज होने वाली नाग अश्विन निर्देशित प्रोजेक्ट के में नजर आएगी जिसमें प्रभाष अमिताभ बच्चन और दीपिका पातकोण मुख्य भूमिका में होंगी दिशा पटानी को 2016 में गूगल पर सबसे अधिक खोजने वाली हस्तियों की सूची में पांचवें स्थान पर रखा गया था वो सत्तावन पॉइंट पाँच मिलियन से अधिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलोअरों की जाने वाली हस्तियों में से एक हैं और 2019 की पटानी फोर्स इंडिया ने सेलिब्रिटी सौ सूची में शामिल हुई हैं और अट्ठावन पॉइंट जीरो मिलियन यू एस हज़ार की अनुमानित वार्षिक आय के साथ तैंतालीसवें स्थान पर रही है तीसा पटानी को अक्सर टाइम्स की पचास सबसे वांछनीय महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है और सन दो में उन्नीसवें और दो में नवें स्थान पर रही हैं

स्टेविन बेन और जहरा एस खान के साथ द इंटरटेनर्स टूर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया है तो फ्रेंड्स राधे फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रभु देवा जी ने प्रभु देवा जी एक भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर फिल्म निर्देशक निर्माता और अभिनेता हैं जिन्होंने मुख्य रूप से तमिल हिंदी तेलुगु और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में काम किया है बत्तीस साल के कैरियर में उन्होंने नृत्य शैलियों का प्रदर्शन और डिजाइन किया है और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रियों के लिए दो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और सन दो में नृत्य में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है तो फ्रेंड्स इनका जन्म तीन अप्रैल उन्नीस को मैसूर राज्य भारत में हुआ था तो इनका व्यवसाय अभिनेता निर्देशक नृत्य कोरियोग्राफ निर्माता हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष उन्नीस से वर्तमान तक इनकी जीवन संगनी है रामलथ इनके चार बच्चे हैं तो सन उन्नीस सौ नब्बे और दो हजार के दशक की शुरुआत में अभिनय भूमिकाओं की एक श्रृंखला के साथ शुरुआत करते हुए प्रभु देवा ने कथालन उन्नीस सौ चौरानवे लव बर्ड्स उन्नीस सौ छियानवे मिनसारा कानाउ उन्नीस सौ सत्तानवे और वी आई पी उन्नीस सौ सत्तानवे सहित कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है कथला कथला उन्नीस सौ अट्ठानवे में वन थाई पोला दो हजार में पेनिन मना थाई थोटू दो हजार में अल्लाई थंग धा वन दो और एंगल अन्ना 2004 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के लिए इसके बाद प्रभुदेवा ने अपनी पिछली फिल्मों की सफलता को दोहराने में सफल नहीं रहे वो असफल रहे उनका बॉक्स ऑफिस मूल्य कम होने लगा और बाद में उन्होंने तमिल में सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया इसके बाद उन्होंने दो की तेलुगु फिल्म नवोस्तानते नैनो दानताना के सफलतापूर्वक निर्देशन में कदम रखा और अपने परियोजना की सफलता ने प्रभुदेवा को निर्देशक के रूप में आगे के प्रस्ताव दिए हैं इसके बाद उन्होंने तमिल तेलुगु और हिंदी भाषाओं में पोकिरी 2007 और शंकर दादा जिंदाबाद 2007 और वान्टे 2009 हजार नौ रावली राठौड़ दो, रावदी दो और आर आर राजकुमार दो जैसी अत्यधिक लाभदायक फिल्में बनाई हैं सिंह इज लिविंग तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में तो प्रभु देवा जी का जन्म 3 अप्रैल उन्नीस सौ महादेवम्मा सुंदर के घर हुआ था अपने पिता मुंगरू सुंदर और दो दक्षिण भारतीय फिल्मों के कोरियोग्राफर थे जो प्रेरित होकर उन्होंने नृत्य करना शुरू किया और धर्मराज और उड़पी लक्ष्मी नारायण से भरतनाट्यम जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप सीखे और साथ ही साथ पश्चिमी शैलियाँ भी सीखी राजू सुंदरम और नागेंद्र प्रसाद उनके भाई हैं देवा पहली बार तमिल फिल्म मौना रागनम उन्नीस के गीत पनविजुम ईराउ में बांसुरी बजाते हुए एक लड़के के रूप में दिखाई दिए थे बाद में उन्नीस की तमिल फिल्म अग्नि चटचरितम के एक गाने में बैकग्राउंड डांसर के रूप में अग्नि में दिखाई दिए थे और कोरियोग्राफ के रूप में प्रभुदेवा का पहला उद्यम कमल हसन अभिनीत वेटरी वीझा उन्नीस था तब से उन्होंने सबसे से अधिक फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी की है और कोरियोग्राफी में वो एक्टिंग में आए हैं सन उन्नीस में प्रभु देवा ने शोभना और ए आर रहमान ने मोनिक जर्मनी में एम जे एंड फ्रेंड्स माइकल जैक्सन श्रद्धांजलि समारोह में तमिल सिनेमा में नृत्य मंडली के प्रदर्शन किया है साथ में और 2010 और वो सिंगापुर में प्रभु देवा की नृत्य अकादमी के अध्यक्ष और निर्देशक के रूप में कार्यरत थे 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो प्रभु देवा द्वारा निर्देशित है और सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री जी स्टूडियो द्वारा निर्मित है ये 2017 की दक्षिण कोरियाई फिल्म द आउटलाज की रीमेक है इसमें सलमान खान दिशा पटानी रणदीप हुड्डा और जैकी शराफ हैं तो राधे फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रभुदेवा जी ने और इस फिल्म को लिखा है एसी मुगिल और विजय मौर्य ने तो इस फिल्म को उत्पादित किया है सलमान खान सोहेल खान अग्निहोत्री और निखिल अमित जी ने इस फिल्म को अभिनीत किया है सलमान खान दिशा पटानी रणदीप हुड्डा जैकी श्राव जी ने और इस फिल्म को छांकित किया है अयानका बोस जी ने और इसे संपादित किया है रितेश सोनी ने गाने के बोल हैं देवी श्री प्रसाद और हिमेश रेशमिया और साजिद वाजिद जी के और पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किया है संचित बलहरा और अंकित बलहरा ने उत्पादन कंपनी है जी स्टूडियो और सलमान खान फिल्म सुहेल खान प्रोडक्शन लील राइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के तहत इसे उत्पादित किया गया है और इस फिल्म को वितरित किया है जी स्टूडियोज ने और ये मूवी रिलीज हुई थी तेरह मई 2021 को देश भारत भाषा हिंदी में अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था नब्बे करोड़ रुपए का अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था अट्ठारह करोड़ रुपये का तो राधे मूल रूप से बाईस मई दो को बीस के रूप से रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड उन्नीस महामारी के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था फिल्म अनंत में तेईस मई दो हज़ार इक्कीस को ईद उल फितर के अवसर पर भारत में जी के माध्यम से जी प्लेक्स पर प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड के रूप में विदेशों में नाटकीय के रिलीज के साथ रिलीज हुआ था हालांकि राधे को आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं जिन्होंने कहानी पटक कथा निर्देशन मौलिकता रसायन शास्त्र और बी की आलोचना की है यह एक बड़ी ओ सफलता बन गई है चार मिलियन व्यूज के साथ यह रिलीज के दिन सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ओ फिल्म बन गई है सलमान खान और रंडी फुड्डा के अभिनय की आलोचना और दर्शकों ने इनकी सराहनाएं की हैं तो द इंडियन जैसे प्रकाशनों ने राधे को 2021 की सबसे खराब भारतीय फिल्मों में में से एक के रूप सूचीबद्ध तो फैंस बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं धुराना एक क्रूर गैंगस्टर नशीली दवाओं का कारोबार शुरू करने के लिए मुंबई चला जाता है उसने एक आदमी को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उससे उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं किया वो आदमी मंसूर भाई का साथी है राणा ने केवल कॉलेज के छात्रों को बल्कि स्कूली बच्चों को भी ड्रग्स बेचना शुरू कर देता है इसके चलते पिछले तीन महीने में नशे की लत के कारण बारह लोगों ने आत्महत्या कर ली है मुंबई पुलिस ने राणा को रोकने के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा लेकिन उन्होंने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ दिया और मार दिया गया पुलिस बल ने मामले में एक गुप्त पुलिस अधिकारी राधे को भेजने का फैसला किया और वो नौकरी स्वीकार करता है राधे की मुलाकात एक मॉडल दिया अभयंकर से होती है और उसे उस प्यार हो जाता है राधे ने उसे बताया कि वो एक महत्वाकांक्षी मॉडल है और उसका नाम भोलू है दिया को धीरे धीरे राधे से प्यार हो जाता है साथ ही अधिकारियों से राधे को पता चलता है कि दो गिरोह हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं पहले गिरोह का नेतृत्व दिलावर करता है और दूसरे गिरोह का नेतृत्व दगंडू दादा करते हैं दोनों गैंग आपस में भिड़े हुए हैं राधे ने दादा सहित दगांडू दादा के गिरोह के सभी लोगों को हरा दिया है राधे दादा कि एक आदमी को गिरफ्तार करता है और उससे पूछताछ करता है और वह उससे बताता है कि दिलावर का भाई ड्रग्स का कारोबार राधे दिलावर के इलाके में जाता है और उन्हें मंसूर को लाने की धमकी देता है दिलावर सहमत हो जाते हैं लेकिन राधे दिलावर को गिरफ्तार कर लेते हैं वो दिलावर और दादा को एक दूसरे के साथ शांति का एहसास कराते हैं राणा ने मंसूर के साथ काम मिलकर काम किया है और उन्होंने दिलावर को अपनी ओर आकर्षित भी किया है तो राणा और उनके गुर्गो ने दिलावर की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी थी बाद में राधे को पता चलता है कि दिया राधे के वरिष्ठ अधिकारी अविनाश अभयंकर की बहन है अविनाश उनके रिश्ते को स्वीकार करता है राणा और उसके गार्ड दादा के गिरोह के सदस्यों को मार देते हैं अगले दो दिन में राणा और अधिक ड्रग्स बेचता है राधे की जानकारी मिलती है कि राणा और उसके गार्ड एलाइड पीडी क्लब में जाएंगे राधे पब में जाता है और टॉयलेट में राणा से लड़ता है राधे को राणा और उसके गार्डन द्वारा पीटा जाता है पुलिस ने पहुंचते ही वो वहां से भाग जाता है दिया को पता चलता है कि राधे एक पुलिस अधिकारी है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है राधे मंशूर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपने पक्ष में शामिल होने के लिए मना लेती है तो राधे दगडू की मदद से राणा के गार्डों की पिटाई करता है लेकिन उनमें से एक भाग जाता है और राणा को सूचित करता है कि बदला लेने के लिए राणा ने दगडू को मार डाला है राधे को अच्छा माना जाता है और किसी अन्य अधिकारी को मामला सौंप दिया जाता है अविनाश की मदद से राधे छिपकर अपना काम जारी रखता है और इस बीच राणा का एक गार्ड जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था दो पुलिस अधिकारियों से मिलता है और वे एक सौदा करते हैं यदि गार्ड उन्हें मादक पदार्थ उपलब्ध कराता है तो अधिकारी उसे भागने देंगे और गार्ड सौदा स्वीकार कर लेता है तब पता चलता है कि दोनों अधिकारियों को राधे ने एक चाल के तौर पर काम पर रखा था राणा का गार्ड बाद में अधिकारियों से मिलता है और राधे को पकड़ लिया जाता है राणा को पता चलता है कि मंसूर राधे के साथ काम करता है और उसे मार डालता है राधे स्कूली छात्रों से मदद मांगता है और वे स्वीकार करते हैं और राणा के गिरोह और उन लोगों की तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं जो कि राधे को ड्रग्स की आपूर्ति करते हैं जो अपने साथी पुलिस अधिकारियों के साथ उन सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं

दवा का कारोबार शुरू करने की कोशिश करते हैं राधे हेलीकॉप्टर पर कूदता है और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिसमें गार्ड की मौत हो जाती है अविनाश आते हैं और राणा को मारने की कोशिश भी करते हैं लेकिन राणा अविनाश की पिटाई करता है और उसे मारने वाले होते हैं राधे अविनाश को बचाते हैं और राणा से लड़ते हैं राधे हावी हो जाते हैं और राणा को मार डालते हैं तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो दिया के प्रेमी राधे के रूप में सलमान खान जी हैं और दिया अव्यंकर के रूप में दिशा पटानी हैं राधे की प्रेमिका और अविनाश की बहन हैं राणा के रूप में रणदीप हुड्डा मुख्य प्रतिपक्षी हैं एसीपी क्राइम ब्रांच अविनाश अभयंकर के रूप में जय की श्राफ है राधे के वरिष्ठ अधिकारी और दिया के भाई हैं दिलावर के रूप में सुधांशु पांडे हैं निक्सा के रूप में मेघा आकाश हैं भरत इंस्पेक्टर सर्वेस के रूप में हैं, गिरगिट के रूप में गौतम गुलाटी हैं, गोविंद नामदेव संयुक्त आयुक्त तो आईजी रमेश पाटिल के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं दगाडू दादा के रूप में प्रवीण तारडे हैं और दर्शन जरीवाला ग्रह सचिव के रूप में हैं रंजीत मावनी के रूप में सिद्धार्थ जाधव हैं मंसूर के रूप में अर्जुन कानूनगो हैं मंसूर की पत्नी नसरीन के रूप में इहाना ढिल्लो हैं रणवीर के रूप में नौफल अजमेर खान हैं और सावर अली विपुल शाह के रूप में हैं एसीपी अर्जुन के रूप में विश्वजीत प्रधान हैं जय के रूप में वी एंडी एक फोटोग्राफर हैं मोर कृष्ण के रूप में कुलविंदर वारवाल हैं और अली के रूप में विजय सिंह हैं लोटा के रूप में सांगे शर्टिम हैं और सुमित के रूप में आर्यन अरोड़ा हैं सुमित चंद्रा समाचार रिपोर्टर के रूप में हैं सुमित की बहन के रूप में श्रुति विष्ट हैं और सुमित की मां के रूप में परवीन कौर हैं अनजान के रूप में मितांश लुतुल्ला हैं और मिकी मखीजा मुंबई पुलिस आयुक्त के रूप में हैं हीरालाल के रूप में प्रवेश राणा हैं और मन्नू के रूप में शुभंगन त्रिपाठी हैं मकान मालिक के रूप में कमाल मलिक हैं और शायरा के रूप में नैन्सी जैन हैं सलीम बेग निजामुद्दीन के रूप में हैं अजय सिंह अपराध शाखा अधिकारी के रूप में हैं अपराध शाखा अधिकारी के रूप में संजीव शर्मा हैं जैकलीन फर्नांडीज दिल दे दिए गाने में एक विशेष उपस्थिति में अपनी रोल को प्ले कर रहे हैं तो आइए जानते हैं इस फिल्म के विकास दर के बारे में तो सितंबर 2019 में मीडिया रिपोर्टरों ने अनुमान लगाया है कि प्रभु देवा दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशन करेंगे और इसे ईद उल फितर दो बाईस मई 2020 के अवसर पर रिलीज किया जाएगा जिस तारीख को शहर सलमान खान की रुकी हुई फिल्म इन साह के रिलीज होने की अटकलें थी डेक्कन कालकाल के एक लेखक में लेख में लिखा गया है कि परियोजना का उल्लेख वांटेड 2009 की अगली कड़ी के रूप में किया गया है इसका शीर्षक वांटेड 2 रखा गया है लेकिन निर्माताओं की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है अक्टूबर 2019 में यह भी बताया गया है कि यह फिल्म 2017 की दक्षिण कोरियाई फिल्म द आउट की रीमेक है तो 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से फिल्म का शीर्षक राधे इसे ईद 2020 में पुष्टि की जा रही है तो भारत के बाद सलमान खान के साथ उनके दूसरे सहयोग में दिशा पटानी रणदीप हुड्डा और जैकी शराब को महत्वपूर्ण भूमिका मिल लिया गया है नवम्बर दो हजार उन्नीस में भारत श्रीनिवास ने फिल्म का हिस्सा होने की सूचना मिली थी गौतम गुलाटी ने फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है और फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी एक नवम्बर दो को शुरू हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल चार नवम्बर को मुंबई के महबूब स्टूडियो में हुआ था सलमान खान ने सेट पर कलाकारों और चालक दल के सदस्यों के लिए एक नए निर्देशकों की शुरुआत की जिसका उद्देश्य सेट पर अनुशासन बनाए रखने और नए लोगों को जूनियरों की मदद के लिए एक मित्र प्रणाली बनाए रखने में जोर देना था तो फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ था जहां सलमान खान और हुड्डा के कुछ पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए थे क्लाइमेक्स शाट के लिए निर्माताओं के दृश्य प्रभावों पर 7.5 करोड़ खर्च किए और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल की परियोजना बनाई है जिसे बाद में कोविड उन्नीस के प्रकोप के कारण रद्द कर दिया गया था और ये भी बताया गया था कि सलमान खान अपने फार्म हाउस पर फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम कर रहे थे हालांकि सलमान खान के मैनेजर ने दावा किया है कि पोस्ट प्रोडक्शन की कोई योजना नहीं थी क्योंकि सभी प्रोडक्शन कार्य निर्देशकों के अनुसार रोक दिए गए थे सरकार फिल्म की शूटिंग चार अक्टूबर दो को फिर से शुरू हो गई थी और जहाँ कुछ पैचवर्क दृश्य और सलमान खान और पटानी पर एक गाना फिल्माया गया था फिल्म 14 अक्टूबर 2020 को पूरी हो गई थी फिल्म का साउंड ट्रैक साजिद वाजिद द्वारा रचित है और देवी प्रसाद भी हैं और हिमेश रेशमिया द्वारा भी रचित है जबकि गीत सबीर अहमद साजिद खान और कृणाल वर्मा द्वारा लिखे गए हैं फिल्म का इसको संचित बलहरा और अंकित बलहरा द्वारा रचित है तो राजीव वा, राधे वाजिद खान साजिद वाजिद जोड़ी में से एक है और मरण प्रधान कृति और शीर्षक ट्रैक जून 2020 में उनकी मृत्यु से पहले उनकी आखिरी रचना थी यह इसे साजिद खान का पहला एकल एल्बम बनाता है और प्रसाद ने तेलुगु फिल्म डीचे दुवद्दा जगन्नाधम दूसर सत्रह से अपने गीत सी मार को फिर से बनाया है हेमेश रेशिमिया ने फिल्म में एक गाना भी गाया है इस फिल्म में कुल चार गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक सीटी मार इसे सबीर अहमद देवी श्री प्रसाद और कमाल खान और यूलिया ने गाया है नंबर दो दिल दे दिया इसे सबीर अहमद और हेमेश रेशमिया और गाया है कमाल खान और पायल देवनी नंबर तीन राधे टाइटल ट्रैक इसे साजिद खान के बोल हैं और साजिद वाजिद हैं और साजिद खान ने अपनी आवाज़ दी है नंबर चार झूम झूम इसे गाया है कुणाल वर्मा साजिद वाजिद और एस किंग यूलिया वंतूर साजिद खान ने तो फ्रेंड्स तेरह मई दो हज़ार इक्कीस को राधे की सीमित नाटकी रिलीज हुई थी जिसे 21 अप्रैल 2021 को सलमान खान ने आगे घोषणा की है कि फिल्म सभी परिचालन थिएटरों में रिलीज होगी और जी प्लेक्स के माध्यम से पर व्यू और डिजिटल स्ट्रीमिंग विधि में जी फाइव और ये हाइब्रिड रिलीज वाली भारतीय फिल्म बन गई है क्योंकि मुंबई और दिल्ली में थिएटर बंद थे इस कदम का फिल्म व्यापार विश्लेषकों और प्रदर्शनों ने महामारी के दौरान भारतीय सिनेमा की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित टर्निंग पॉइंट के रूप में स्वागत किया है मध्य पूर्व क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात ओमान कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन में फिल्म के लिए उन्नत बुकिंग रिलीज शेड्यूल से दो सप्ताह पहले उनतीस अप्रैल दो को शुरू हुई है शहरुख खान के बाद सलमान खान ने एक वीडियो कॉल पर बातचीत में सीमित नाटकीय रिलीज के कारण फिल्म के ख़राब संग्रह के लिए थिएटर मालिकों से माफ़ी मांगी सलमान खान ने महामारी कम होने पर नाटकी पुनः रिलीज की योजना का भी आश्वासन दिया था जी प्लेक्स ने अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शुरुआत की कीमत दो सौ उनचास प्रतिदश बताई थी जिसमें उपयोगकर्ता डिजिटल स्ट्रीमिंग के साथ साथ प्रमुख डी सेवाओं के माध्यम से फिल्म देख सकते हैं इसके अलावा जी ने राधे काम्बो की घोषणा की और एक पैकेज जिसकी कीमत चार सौ निन्यानवे है जो उपयोगकर्ताओं को एक वर्ष के लिए फिल्म देखने और मंच की सामग्री तक पहुंचने की अनुमति देता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म को एप्पल टीवी पर किराए और स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था तो सलमान खान और जी स्टूडियो ने घोषणा की है कि फिल्म का राजस्व कोविड उन्नीस महामारी के कारण राहत कोष में दान दिया जाएगा 15 अक्टूबर 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था प्रारंभिक रिलीज पर फिल्म के वितरण अधिकार यस राज फिल्म को बेच दिए गए थे जिसमें टी सीरीज ने संगीत अधिकार हासिल किए हैं और अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल किए हैं लेकिन बाद में जनवरी दो में यह बताया गया था कि सलमान खान ने जी स्टूडियो के साथ एक नई डील साइन की थी और फिल्म के पूरे अधिकार नाटकीय डिजिटल सैटेलाइट और संगीत अधिकार सहित कंपनी को 230 करोड़ में बेच दिए हैं और बाद में महामारी की स्थिति का हवाला देते हुए सौदे पर फिर से बातचीत की गई है मई 2021 में संशोधित बोली 190 करोड़ थी तो फिल्म ने 18.33 करोड़ यू 2.3 मिलियन से अधिक की कमाई की और जी फाइव पर ओ रिलीज के रूप में सफल स्वागत के बाद यह एक सीमित दूसरी रिलीज थी जिसे 14 मिलियन से अधिक बार देखा गया था फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से बेहद नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट राटेनिटोज पर फिल्म को ग्यारह समीक्षाओं के आधार पर नौ की पॉइंट औसत की रेटिंग प्राप्त हुई है आई ने फिल्म को 1.9 पॉइंट की दो वेबसाइट पर सलमान खान की सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म थी फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एम एम बेटी कैंड ने राधे को पाँच में से जीरो की रेटिंग दी है और लिखा है कि ये फिल्म इतनी सामान्य है कि एक बार देखने के बाद एच से कथानक को लिखना एक चुनौती होगी सलमान खान का प्रदर्शन इस तथ्य को दोहराता है कि वो नहीं देख रहे हैं दर्शकों से कोई मान्यता प्राप्त करने के लिए उनके हल्के में लेना उन्होंने मुख्य अभिनेत्री की स्क्रीन समय नहीं देने के लिए फिल्म की आलोचना करते हुए कहा है कि फिल्म अपनी नायिका को प्रदर्शन पर एक शरीर के अलावा कुछ नहीं मानती जिसका एकमात्र काम नायक को किसी से प्यार करना उसके साथ नृत्य करना और रक्षा करना द क्विंट की श्रुति घोष ने राधे को 0.5 की रेटिंग दी है और इसे किंग फेस्ट कहते हुए उन्होंने लिखा है कि राधे एक जोरदार संवेदनहीन और आक्रामक फिल्म है जिसमें महिलाओं पुलिसवर और सामान्य रूप से दर्शकों की बुद्धिमत्ता के प्रति बहुत कम सम्मान है उन्होंने आगे कहा है कि राधे निराशजनक के रूप में इस बात से अभिनज्ञ है कि यह कैसे पुलिस की बर्बरता और लगभग दस घून दम घोटने वाली है जहरीली मर्दांगनी को बढ़ावा देती है जिसे मस्त और सस्ते डिओकेट की तरह छिड़का जाता है द इंडियन एक्सप्रेस की सुब्रा गुप्ता ने राधे को 0.5 की रेटिंग दी है और लिखा है कि राधे एक न समझमुरतापूर्ण फिल्म है जिसे सलमान खान वो हर काम करते हैं जो उन्होंने लाखों बार किया है द हिंदुस्तान टाइम्स की सौम्या श्रीवास्तव ने राधे को एक अत्याचारपूर्ण फिल्म और सलमान खान की सबसे ख़राब फिल्मों में से एक कहा है उन्होंने राधे को एक कठिन फिल्म के रूप में वर्णित किया है और कहा है कि ये फिल्म कुछ भी नहीं बल्कि एक्शन दृश्यों का एक संग्रह है जिसमें दिशा की तंग पोशाकें कुछ डांस नंबर और अपुन कहने वाले गुंडे फिल्म्स के फिलर्स के रूप में काम करते हैं तो एन के सविल चटर्जी ने फिल्म को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और लिखा है कि फिल्म कुछ हद हाँ तक सतही दुर्गंध के साथ हम पर बहुत सारा कचरा डालती है उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला है कि राधे में सलमान खान के कट्टर प्रशंसकों की रुचि बनाए रखने के लिए कोई प्रलोभन नहीं है व्यापार विश्लेषक तर्ण आदर्श ने राधे को पांच में से दो की रेटिंग दी है और इसे निराशजनक कहा है इसकी पटक कथा और लेखन को कमजोर बताते हुए उन्होंने लिखा है कि राधे अत्यधिक उम्मीदों की नहीं उतरती फिल्म में एक घिसा पिटा कथानक और नई पैकेजिंग के साथ एक पूर्व अनुमानित फार्मूला तैयार किया गया है फिल्म कंपेनियन की अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है कि सलमान खान अभिनीत फिल्म शिल्प से इतनी मुक्त है कि वो दुख होता है प्रभु देवा ने सलमान खान के पंथ के लिए एक और जोरदार स्तब्ध करने वाला निरर्थक भजन प्रस्तुत किया है द नेशनल हेलार्ड ने नम्रता जोशी से लिखा है कि राधे एक फिल्म का एक खाली वर्तन है जो बहुत तेज शोर मचाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है जिसका कोई मतलब नहीं है दिशा पटानी के किरदार के फेमिंग की आलोचना करते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि दिया खुद बेहद आक्रामक हैं ये सिर्फ निर्माताओं और सलमान खान ब्रह्मांड की बेहद रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाती है जहां पुरुष और महिलाएं शायद ही कभी बराबरी के रिश्ते में होती हैं जहां पुरुष महिला का स्व अभिषेक रक्षक है और महिला को किसी भी प्रकार की संपत्ति या अधिकार के रूप में देखा जाता है मैसबल की साहू ने पुलिस की बर्बरता और बंदूक हिंसा और जहरीली मर्दांगनी का महिमा मंडल करने के लिए राधे की आलोचना की है उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि राधे न केवल संवादों के साथ बल्कि सफाई करने वाले दुष्ट पुलिसकर्मी के फार्मूले को भी दोहराया है और यह न्यूनतम एक बलात्कार हमले की कहानी को भी नहीं बच सकता वस्तु में फिल्म एक जैसी दिखती है और सलमान खान के पहले ही लोकप्रिय ब्रांड को बेचने के लिए ब्रोशर यह पूरी तरह से भाईपूर्ण है राधे फिल्म में दिशा पटानी जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो दिशा पटानी जी एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती हैं दिशा पटानी ने अपने अफनी करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोपर 2015 से की और उनकी पहली हिंदी फिल्म बायोपिक एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी दो के साथ रिलीज हुई थी जिसके लिए उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल के लिए आइफा अवार्ड जीता और चीनी एक्शन कॉमेडी कु फूयोंगा दो हज़ार में दिखाई देने के बाद पटानी ने बागी टू दो मलिंग 2020 और एक बिलेन रिटर्न्स 2022 फिल्मों में प्रमुख महिलाओं की भूमिका निभाई है वो फोर्स इंडिया की 2019 की सेलिब्रिटी शो सूची में दिखाई दी हैं तो फ्रेंड्स इनका जन्म 13 जून दो उन्नीस को बरेली उत्तर प्रदेश भारत में इनका जन्म हुआ था इनका अलमा मैटर है एम यूनिवर्सिटी लखनऊ पेशा है अभिनेत्री और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष दो से वर्तमान तक तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में तो दिशा पटानी जी का जन्म तेरह जून उन्नीस को बरेली उत्तर प्रदेश भारत में जन्मी हैं वो राजपूत हिंदू पृष्ठभूमि से हैं उनके पिता जगदीश सिंह पटानी एक पुलिस अधिकारी हैं और उनकी माँ एक स्वास्थ्य निरीक्षक हैं उनकी बड़ी बहन खुशबू पटानी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट हैं उनका एक छोटा भाई सूर्यांश पटानी भी है उन्होंने एमटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है वो पांडस फेमिना मिस इंडिया इंदौर 2013 की पहली रनर अप थे तो दिशा पटानी ने सन 2015 में वरुण तेज के साथ तेलुगु फिल्म लोफर से डेब्यू किया था और उन्होंने मौनी नाम की लड़की की भूमिका निभाई जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भाग जाती हैं और पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित और सीके के सी के इंटरटेनमेंट के तहत सी कल्याण द्वारा निर्मित यह फिल्म दो, दो मिलियन के बजट पर बनाई गई और एक मिलियन के लाफ टाइम कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया था अगले वर्ष दिशा पटानी टाइगर शराब के साथ एक संगीत वीडियो फिरका में दिखाई दी थी जिसे टी सीरीज के तहत भूषण कुमार और कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित किया गया था और मीत प्रदर्शन द्वारा संगीतबद्ध किया गया था मित प्रदर्श द्वारा लिखित और निर्देशित गायिका अदिति सिंह शर्मा ने अपनी आवाज को दिया है तो दिशा पटानी को अपनी व्यवसायिक ब्रेक नीरज पांडे के एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से मिलता है जो एक जीवनी पर आधारित स्पोर्ट फिल्म है जो सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी की जीवन कहानी पर आधारित है उन्होंने एम एस धोनी के किरदार की प्रेमिका प्रियंका झा की भूमिका निभाई है जिसकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित है ये फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और 216 करोड़ यूएस 27 मिलियन के अनुमानित संग्रह के साथ एक बड़ी हिट थी बॉलीवुड हंगामा से तरण आदर्श और द इंडियन एक्सप्रेस से सुब्रा गुप्ता ने दोनों ने कहा है कि वो दिशा पटानी और अपनी फिल्मों में चमकदार थी अठारहवें आइफा अवार्ड्स में उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ़ द ईयर फीमेल का पुरस्कार जीता है इसके अलावा उन्होंने सोनू सूद के साथ जैकी चैन की कुंग फू योगा में अभिनय किया है इसके बाद दिशा पटानी ने टाइगर शराफ के साथ बागी टू में अभिनय किया जो टाइगर शराफ़ और श्रद्धा कपूर अभिन 2016 की फिल्म बागी की अगली कड़ी और बागी फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित और अहमद खान द्वारा निर्देशित है बागी टू को 30 मार्च 2018 को समीक्षकों से मिली समीक्षाएं प्राप्त हुई थी इसके अलावा एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसाएं मिली थी एन डी टी से साइवल चटर्जी ने लिखा है कि दिशा पटानी एक सुंदर दृश्य है लेकिन उन्हें अपनी भूमिका केवल नींद में चलने की आवश्यकता है फिल्म ने दुनिया भर में लगभग दो करोड़ यूएस बत्तीस मिलियन की कमाई की और 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई थी तो जून 2019 में वो सलमान खान और कैटरीना कैफ अभिनीत एक्शन ड्रामा फिल्म भारत में संक्षिप्त रूप से दिखाई दी है रिलीज होने पर भारत को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं और इसने अपने जीवन काल में के रूप से तीन करोड़ की कमाई की है और व्यवसायिक रूप से सफल भी रही है उन्होंने ने 2020 की शुरुआत आदित्य राय कपूर के साथ एक्शन थ्रिलर रिलीज मलंग से की है जिसमें अनिल कपूर और कृणाल खेमू भी थे फिल्म को इसके संगीत एक्शन और निर्देशन और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसाएं मिली हैं बॉलीवुड हंगामा के लिए लेखन में कहा गया है कि दिशा पटानी को शायद अब तक की सबसे अधिक स्क्रीन समय मिलता है और वो बहुत खूबसूरत दिखती हैं दिल छू लेने वाले प्रदर्शन करती हैं मलंग ने चौरासी पॉइंट पचास करोड़ कमाए हैं और यूएस ग्यारह मिलियन दुनिया भर में इस प्रकार व्यवसायिक रूप से सफल रही है मार्च 2020 में वो टाइगर श्राफ और सिद्धा कपूर अपनी फिल्म बागी थ्री के एक गाने में दिखाई दी हैं जो बागी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है ईसा पटानी अगली बार प्रभु देवा की एक्शन फिल्म राधे में दिखाई दी हैं जिसमें वो इस बार सलमान खान के साथ उनकी प्रमुख महिला के रूप में फिर से दिखाई दी हैं फिल्म को इल उर्फितर के मौके पर जी के माध्यम से जी प्लेक्स और प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड के रूप में रिलीज किया गया था हालांकि राधे को आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं जिन्होंने कहानी पटक कथा निर्देशन और वी की आलोचना की है यह एक बड़ी ओ सफलता बन गई है चार मिलियन व्यूज के साथ यह रिलीज के दिन सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली ओ फिल्म बन गई है दो में उन्होंने जान अब्राहम तारा सुतारिया और अर्जुन कपूर के साथ मोहित सूरी की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर एक विलेन रिटर्न में अभिनय किया है फिल्म को समीक्षकों से मिली जुड़ी समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं और पर इसका प्रदर्शन रहा है दिशा पटानी ने, ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ करण जौहर की योद्धा की शूटिंग पूरी की और दो के मध्य में उन्होंने सूर्य के साथ अपनी पहली तमिल फिल्म कंगुआ साइन की वो 2024 में रिलीज होने वाली नाग अश्विन निर्देशित प्रोजेक्ट के में नजर आएगी जिसमें प्रभाष अमिताभ बच्चन और दीपिका पातकोण मुख्य भूमिका में होंगी दिशा पटानी को 2016 में गूगल पर सबसे अधिक खोजने वाली हस्तियों की सूची में पांचवें स्थान पर रखा गया था वो सत्तावन पॉइंट पाँच मिलियन से अधिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलोअरों की जाने वाली हस्तियों में से एक हैं और 2019 की पटानी फोर्स इंडिया ने सेलिब्रिटीज सौ सूची में शामिल हुई हैं और अट्ठावन पॉइंट जीरो मिलियन यूएस सात हज़ार की अनुमानित वार्षिक आय के साथ तैंतालीसवें स्थान पर रही है दिशा पटानी को अक्सर टाइम्स की पचास सबसे वांछनीय महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है और सन दो में उन्नीसवें और दो में नवें स्थान पर रही हैं

आपरा शक्ति खुराना टेनर्स टूर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया है तो फ्रेंड्स राधे फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रभु देवा जी ने प्रभु देवा जी एक भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर फिल्म निर्देशक निर्माता और अभिनेता हैं जिन्होंने मुख्य रूप से तमिल हिंदी तेलुगु और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में काम किया है बत्तीस साल के कैरियर में उन्होंने नृत्य शैलियों का प्रदर्शन और डिजाइन किया है और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रियों के लिए दो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और सन दो में नृत्य में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है तो फ्रेंड्स इनका जन्म तीन अप्रैल उन्नीस को मैसूर राज्य भारत में हुआ था तो इनका व्यवसाय अभिनेता निर्देशक नृत्य कोरियोग्राफ निर्माता हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष उन्नीस से वर्तमान तक इनकी जीवन संगनी है रामलथ इनके चार बच्चे हैं तो सन उन्नीस सौ नब्बे और दो हजार के दशक की शुरुआत में अभिनय भूमिकाओं की एक श्रृंखला के साथ शुरुआत करते हुए प्रभु देवा ने कथालन उन्नीस सौ चौरानवे लव बर्ड्स उन्नीस सौ छियानवे मिनसारा कानाउ उन्नीस और वी आई पी 1997 सहित कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है कथला कथला उन्नीस में वन थाई पोला 2000 में पेनिन मना थाई थोटू 2000 में अल्लाई थंग धा वन दो और एंगल अन्ना 2004 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के लिए इसके बाद प्रभुदेवा ने अपनी पिछली फिल्मों की सफलता को दोहराने में सफल नहीं रहे वो असफल रहे उनका बॉक्स ऑफिस मूल्य कम होने लगा और बाद में उन्होंने तमिल में सहायक भूमिकाओं में अभिनय किया इसके बाद उन्होंने दो की तेलुगु फिल्म नवोस्तानते नैनो ताना के सफलतापूर्वक निर्देशन में कदम रखा और अपने परियोजना की सफलता ने प्रभुदेवा को निर्देशक के रूप में आगे के प्रस्ताव दिए हैं इसके बाद उन्होंने तमिल तेलुगु और हिंदी भाषाओं में पोकिरी 2007 और शंकर दादा जिंदाबाद 2007 और वांटेड 2009 हज़ार नौ 2012 दो, दो और आर आर राजकुमार 2013 जैसी अत्यधिक लाभदायक फिल्में बनाई हैं सिंह इज लिविंग तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में तो प्रभु देवा जी का जन्म 3 अप्रैल उन्नीस को मंसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक में मुंगरू सुंदर और महादेवम्मा सुंदर के घर हुआ था अपने पिता मुंगरू सुंदर और दो दक्षिण भारतीय फिल्मों के कोरियोग्राफर थे जो प्रेरित होकर उन्होंने नृत्य करना शुरू किया और धर्मराज और लक्ष्मी नारायण से भरतनाट्यम जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप सीखे और साथ ही साथ पश्चिमी शैलियाँ भी सीखी राजू सुंदरम और नागेंद्र प्रसाद उनके भाई हैं देवा पहली बार तमिल फिल्म मोना रागनम उन्नीस के गीत पनविजुम इराऊ में बांसुरी बजाते हुए एक लड़के के रूप में दिखाई दिए थे बाद में 1988 की तमिल फिल्म अग्नि चट्टरितम के एक गाने में बैकग्राउंड डांसर के रूप में अग्नि में दिखाई दिए थे और कोरियोग्राफ के रूप में प्रभु देवा का पहला उद्यम कमल हसन अभिनीत वेटरी वीजा उन्नीस सौ नवासी था तब से उन्होंने सौ से अधिक फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी की है और कोरियोग्राफी में वो एक्टिंग में आए हैं सन उन्नीस सौ निन्यानवे में प्रभु देवा ने शोभना और ए आर रहमान ने मोनिक जर्मनी में एम जे एंड फ्रेंड्स माइकल जैक्सन श्रद्धांजलि समारोह में तमिल सिनेमा में नृत्य मंडली के प्रदर्शन किया है साथ में और 2010 और वो सिंगापुर में प्रभु देवा की नृत्य अकादमी के अध्यक्ष और निर्देशिक के रूप में कार्यरत थे उपेशित है और सलमान खान सोहेल खान अतुल अग्निहोत्री जी स्टूडियो द्वारा निर्मित है ये 2017 की दक्षिण कोरियाई फिल्म द आउट की रीमेक है इसमें सलमान खान दिशा पटानी रणदीप हुड्डा और जैकी शराफ हैं तो राधे फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रभु देवा जी ने और इस फिल्म को लिखा है एसी मुगिल और विजय मौर्य ने तो इस फिल्म को उत्पादित किया है सलमान खान सोहेल खान अग्निहोत्री और निखिल अमित जी ने इस फिल्म को अभिनीत किया है सलमान खान दिशा पटानी रणदीप हुड्डा जैकी श्राव जी ने और इस फिल्म को छांकित किया है अयानका बोस जी ने और इसे संपादित किया है रितेश सोनी ने गाने के बोल हैं देवी श्री प्रसाद और हिमेश रेशमिया और साजिद वाजिद जी के और पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किया है संचित बलहरा और अंकित बलहरा ने उत्पादन कंपनी है जी स्टूडियो और सलमान खान फिल्म सुहेल खान प्रोडक्शन लील राइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के तहत इसे उत्पादित किया गया है और, और इस फिल्म को वितरित किया है जी स्टूडियोज ने और ये मूवी रिलीज हुई थी तेरह मई 2021 को देश भारत भाषा हिंदी में अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था नब्बे करोड़ रुपए का अगर हम इस फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था अट्ठारह करोड़ रुपये का तो राधे मूल रूप से बाईस मई दो को बीस के रूप से रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड उन्नीस महामारी के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था फिल्म अनंत में तेईस मई दो हज़ार इक्कीस को ईद उल फितर के अवसर पर भारत में जी के माध्यम से जी प्लेक्स पर प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड के रूप में विदेशों में नाटकीय के रिलीज के साथ रिलीज हुआ था हालांकि राधे को आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से अत्यधिक नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं जिन्होंने कहानी पटक कथा निर्देशन मौलिकता रसायन शास्त्र और बी की आलोचना की है यह एक बड़ी ओ सफलता बन गई है चार मिलियन व्यूज के साथ यह रिलीज के दिन सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली ओ फिल्म बन गई है तो शहरुख खान और सलमान खान और रंडी फुड्डा के अभिनय की आलोचना और दर्शकों ने इनकी सराहनाएं की हैं तो द इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रकाशनों ने राधे को 2021 की सबसे खराब भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है तो देरी की तो देरी किए हुए बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं तो राणा एक क्रूर गैंगस्टर नशीली दवाओं का कारोबार शुरू करने के लिए मुंबई चला जाता है उसने एक आदमी को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उससे उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं किया वो आदमी मंसूर भाई का साथी है राणा ने केवल कॉलेज के छात्रों को बल्कि स्कूली बच्चों को भी ड्रग्स बेचना शुरू कर देता है इसके चलते पिछले तीन महीने में नशे की लत के कारण बारह लोगों ने आत्महत्या कर ली है मुंबई पुलिस ने राणा को रोकने के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा लेकिन उन्होंने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ दिया और मार दिया गया पुलिस बल ने मामले में एक गुप्त पुलिस अधिकारी राधे को भेजने का फैसला किया और वो नौकरी स्वीकार करता है राधे की मुलाकात एक मॉडल दिया अभयंकर से होती है और उसे उस प्यार हो जाता है राधे ने उसे बताया कि वो एक महत्वाकांक्षी मॉडल है और उसका नाम भोलू है दिया को धीरे धीरे राधे से प्यार हो जाता है साथ ही अधिकारियों से राधे को पता चलता है कि दो गिरोह हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं पहले गिरोह का नेतृत्व दिलावर करता है और दूसरे गिरोह का नेतृत्व दगांडू दादा करते हैं दोनों गैंग आपस में भिड़े हुए हैं राधे ने दादा सहित दगांडू दादा के गिरोह के सभी लोगों को हरा दिया है राधे दादा कि एक आदमी को गिरफ्तार करता है और उससे पूछताछ करता है और वो उससे बताता है कि दिलावर का भाई ड्रग्स का कारोबार <Chelsea> राधे दिलावर के इलाके में जाता है और उन्हें मंसूर को लाने की धमकी देता है दिलावर सहमत हो जाते हैं लेकिन राधे दिलावर को गिरफ्तार कर लेते हैं वो दिलावर और दादा को एक दूसरे के साथ शांति का एहसास कराते हैं राणा ने मंसूर के साथ काम मिलकर काम किया है और उन्होंने दिलावर को अपनी ओर आकर्षित भी किया है तो राणा और उनके गुर्गो ने दिलावर की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी थी बाद में राधे को पता चलता है कि दिया राधे के वरिष्ठ अधिकारी अविनाश अभयंकर की बहन है अविनाश उनके रिश्ते को स्वीकार करता है राणा और उसके गार्ड दादा के गिरोह के सदस्यों को मार देते हैं अगले दो दिन में राणा और अधिक ड्रग्स बेचता है राधे की जानकारी मिलती है कि राणा और उसके गार्ड एलाइड पीडी क्लब में जाएंगे राधे पब में जाता है और टॉयलेट में राणा से लड़ता है राधे को राणा और उसके गार्डन द्वारा पीटा जाता है पुलिस ने पहुंचते ही वो वहां से भाग जाता है दिया को पता चलता है कि राधे एक पुलिस अधिकारी है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है राधे मंशूर को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपने पक्ष में शामिल होने के लिए मना लेती है तो राधे दगडू की मदद से राणा के गार्डों की, की पिटाई करता है लेकिन उनमें से एक भाग जाता है और राणा को सूचित करता है कि बदला लेने के लिए राणा ने दगडू को मार डाला है राधे को अच्छा माना जाता है और किसी अन्य अधिकारी को मामला सौंप दिया जाता है अविनाश की मदद से राधे छिपकर अपना काम जारी रखता है और इस बीच राणा का एक गार्ड जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था दो पुलिस अधिकारियों से मिलता है और वे एक सौदा करते हैं यदि गार्ड उन्हें मादक पदार्थ उपलब्ध कराता है तो अधिकारी उसे भागने देंगे और गार्ड सौदा स्वीकार कर लेता है तब पता चलता है कि दोनों अधिकारियों को राधे ने एक चाल के तौर पर काम पर रखा था राणा का गार्ड बाद में अधिकारियों से मिलता है और राधे को पकड़ लिया जाता है राणा को पता चलता है कि मंसूर राधे के साथ काम करता है और उसे मार डालता है राधे स्कूली छात्रों से मदद मांगता है और वे स्वीकार करते हैं और राणा के गिरोह और उन लोगों की तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं जो कि राधे को ड्रग्स की आपूर्ति करते हैं जो अपने साथी पुलिस अधिकारियों के साथ उन सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं नाम के एक पुलिस अधिकारी को राणा ने पकड़ लिया है राणा उसे मारने वाला है लेकिन राधे उसे बचा लेता है राणा वहां से भाग जाता है और राधे उसका पीछा करता है लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नजरों से ओझल हो जाता है अगले दिन राणा के कुछ गार्ड जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है भाग निकले राणा के साथ हेलीकॉप्टर में बैठने वाले एक गार्ड को छोड़कर राधे उनमें से अधिकांश को मार देता है राणा की योजना मुंबई से दूर जाकर कहीं और दवा का कारोबार शुरू करने की कोशिश करते हैं राधे हेलीकॉप्टर पर कूदता है और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिसमें गार्ड की मौत हो जाती है अविनाश आते हैं और राणा को मारने की कोशिश भी करते हैं लेकिन राणा अविनाश की पिटाई करता है और उसे मारने वाले होते हैं राधे अविनाश को बचाते हैं और राणा से लड़ते हैं राधे हावी हो जाते हैं और राणा को मार डालते हैं तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो दिया के प्रेमी राधे के रूप में सलमान खान जी हैं और दिया अभ्यंकर के रूप में दिशा पटानी हैं राधे की प्रेमिका और अविनाश की बहन हैं राणा के रूप में रणदीप हुड्डा मुख्य प्रतिपक्षी हैं एसीपी क्राइम ब्रांच अविनाश अभियंकर के रूप में जय की श्राफ राधे के वरिष्ठ अधिकारी और दिया के भाई हैं दिलावर के रूप में सुधांशु पांडे हैं निक्सा के रूप में मेघा आकाश हैं भरत इंस्पेक्टर सर्वेश के रूप में हैं, गिरगिट के रूप में गौतम गुलाटी हैं, गोविंद नामदेव संयुक्त आयुक्त तो आईजी रमेश पाटिल के रूप में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं दगाडू दादा के रूप में प्रवीण ताडे हैं और दर्शन जरीवाला ग्रह सचिव के रूप में हैं रंजीत मावनी के रूप में सिद्धार्थ जाधव हैं मंसूर के रूप में अर्जुन कानूनगो हैं मंसूर की पत्नी नसरीन के रूप में इहाना ढिल्लू हैं रणवीर के रूप में नौफल आजमीर खान हैं और सावर अली विपुल शाह के रूप में हैं एसीपी अर्जुन के रूप में विश्वजीत प्रधान हैं जय के रूप में वी एंडी एक फोटोग्राफर हैं मोर कृष्ण के रूप में कुलविंदर वारवाल हैं और अली के रूप में विजय सिंह हैं लोटा के रूप में सांगे शैटिम हैं और सुमित के रूप में आर्यन अरोड़ा हैं सुमित चंद्रा समाचार रिपोर्टर के रूप में हैं सुमित की बहन के रूप में श्रुति विष्ट हैं और सुमित की मां के रूप में परवीन कौर हैं अनजान के रूप में मितांश लुतुल्ला हैं और मिकी मखीजा मुंबई पुलिस आयुक्त के रूप में हैं हीरालाल के रूप में प्रवेश राणा हैं और मन्नू के रूप में शुभंगन त्रिपाठी हैं मकान मालिक के रूप में कमाल मलिक हैं और शायरा के रूप में नैन्सी जैन हैं सलीम बेग निजामुद्दीन के रूप में हैं अजय सिंह अपराध शाखा अधिकारी के रूप में हैं अपराध शाखा अधिकारी के रूप में संजीव शर्मा हैं जैकलीन फर्नांडीज दिल दे दिए गाने में एक विशेष उपस्थिति में अपनी रोल को प्ले कर रही हैं तो आइए जानते हैं इस फिल्म के विकास दर के बारे में तो सितंबर 2019 में मीडिया रिपोर्टरों ने अनुमान लगाया है कि प्रभु देवा दबंग थ्री को पूरा करने के बाद सलमान खान की अगली परियोजना का निर्देशन करेंगे और इसे ईद उल फितर दो बाईस मई 2020 के अवसर पर रिलीज किया जाएगा जिस तारीख को सहरुख सलमान खान की रुकी हुई फिल्म इन सा के रिलीज होने की अटकलें थी डेक्कन कानकाल के एक लेखक ने लेख में लिखा गया है कि परियोजना का उल्लेख वांटेड 2009 की अगली कड़ी के रूप में किया गया है इसका शीर्षक वांटेड 2 रखा गया है लेकिन निर्माताओं की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है अक्टूबर 2019 में ये भी बताया गया है कि ये फिल्म 2017 की दक्षिण कोरियाई फिल्म द आउटलाच की रीमेक है तो 18 अक्टूबर 2019 को सलमान खान ने दबंग थ्री के मोशन पोस्टर के माध्यम से फिल्म का शीर्षक राधे इसे ईद 2020 में पुष्टि की जा रही है तो भारत के बाद सलमान खान के साथ उनके दूसरे सहयोग में दिशा पटानी रणदीप हुड्डा और जैकी शराब को महत्वपूर्ण भूमिका मिल लिया गया है नवम्बर दो में भारत श्रीनिवास ने फिल्म का हिस्सा होने की सूचना मिली थी गौतम गुलाटी ने फिल्म में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है और फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी एक नवंबर दो को शुरू हुई थी फिल्म का पहला शेड्यूल चार नवंबर को मुंबई मुंबई के महबूब स्टूडियो में हुआ था सलमान खान ने सेट पर कलाकारों और चालक दल के सदस्यों के लिए एक नए निर्देशकों की शुरुआत की जिसका उद्देश्य सेट पर अनुशासन बनाए रखने और नए लोगों को जूनियरों की मदद के लिए एक मित्र प्रणाली बनाए रखने में जोर देना था तो फिल्म का दूसरा शेड्यूल 21 जनवरी 2020 को गोवा में हुआ था जहां सलमान खान और हुड्डा के कुछ पीछा करने वाले दृश्य फिल्माए गए थे क्लाइमेक्स शाट के लिए निर्माताओं के दृश्य प्रभावों पर 7.5 करोड़ खर्च किए और फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2020 तक पूरी होनी थी लेकिन निर्माताओं ने थाईलैंड में एक और शेड्यूल की परियोजना बनाई है जिसे बाद में कोविड उन्नीस के प्रकोप के कारण रद्द कर दिया गया था और ये भी बताया गया था कि सलमान खान अपने फार्म हाउस पर फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम कर रहे थे हालांकि सलमान खान के मैनेजर ने दावा किया है कि पोस्ट प्रोडक्शन की कोई योजना नहीं थी क्योंकि सभी प्रोडक्शन कार्य निर्देशकों के अनुसार रोक दिए गए थे सरकार फिल्म की शूटिंग 4 अक्टूबर 2020 को फिर से शुरू हो गई थी और जहाँ कुछ पैचवर्क दृश्य और सलमान खान और पटानी पर एक गाना फिल्माया गया था फिल्म चौदह अक्टूबर दो को पूरी हो गई थी फिल्म का साउंड ट्रैक साजिद वाजिद द्वारा रचित है और देवी प्रसाद भी हैं और हिमेश रेशमिया द्वारा भी रचित है जबकि गीत सबीर अहमद साजिद खान और कृणाल वर्मा द्वारा लिखे गए हैं फिल्म का इसको संचित बलहरा और अंकित बलहरा द्वारा रचित है तो राजे वा, राधे वाजिद खान साजिद वाजिद जोड़ी में से एक है और मरण कृति और शीर्षक ट्रैक जून 2020 में उनकी मृत्यु से पहले उनकी आखिरी रचना थी यह इसे साजिद खान का पहला एकल एल्बम बनाता है और प्रसाद ने तेलुगु फिल्म डीचे दुवद्दा जगन्नाधम दूसरे सत्रह से अपने गीत सी मार को फिर से बनाया है हेमेश रेशिमिया ने फिल्म में एक गाना भी गाया है इस फिल्म में कुल चार गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक सीटी मार इसे सबीर अहमद देवी श्री प्रसाद और कमाल खान और यूलिया ने गाया है नंबर दो दिल दे दिया इसे सबीर अहमद और हेमेश रेशमिया और गाया है कमाल खान और पायल देवनी नंबर तीन राधे टाइटल ट्रैक इसे साजिद खान के बोल हैं और साजिद वाजिद हैं और साजिद खान ने अपनी आवाज़ दी है नंबर चार झूम झूम इसे गाए कुणाल वर्मा साजिद वाजिद और एस किंग यूलिया वंतूर साजिद खान ने तो फ्रेंड्स तेरह मई दो हज़ार इक्कीस को राधे की सीमित नाटकी रिलीज हुई थी जिसे 21 अप्रैल 2021 को सलमान खान ने आगे घोषणा की है कि फिल्म सभी परिचालन थिएटरों में रिलीज होगी और जी फ्लेक्स के माध्यम से पर व्यू और डिजिटल स्ट्रीमिंग विधि में जी फाइव और ये हाइब्रिड रिलीज वाली भारतीय फिल्म बन गई है क्योंकि मुंबई और दिल्ली में थिएटर बंद थे इस कदम का फिल्म व्यापार विश्लेषकों और प्रदर्शनों ने महामारी के दौरान भारतीय सिनेमा की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित टर्निंग पॉइंट के रूप में स्वागत किया है मध्य पूर्व क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात ओमान कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन में फिल्म के लिए उन्नत बुकिंग रिलीज शेड्यूल से दो सप्ताह पहले उनतीस अप्रैल दो को शुरू हुई है शाहरुख खान के बाद सलमान खान ने एक वीडियो कॉल पर बातचीत में सीमित नाटकी रिलीज के कारण फिल्म के खराब संग्रह के लिए थिएटर मालिकों से माफ़ी मांगी सलमान खान ने महामारी कम होने पर नाटकी पुनः रिलीज की योजना का भी आश्वासन दिया था जी प्लेक्स ने अप्रैल 2021 के अंत में फिल्म की शुरुआत की कीमत दो सौ उनचास प्रतिदश बताई थी जिसमें उपयोगकर्ता डिजिटल स्ट्रीमिंग के साथ साथ प्रमुख डी सेवाओं के माध्यम से फिल्म देख सकते हैं इसके अलावा जी ने राधे काम्बो की घोषणा की और एक पैकेज जिसकी कीमत चार है जो उपयोगकर्ताओं को एक वर्ष के लिए फिल्म देखने और मंच की सामग्री तक पहुंचने की अनुमति देता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म को एप्पल टीवी पर किराए और स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया था तो सलमान खान और जी स्टूडियो ने घोषणा की है कि फिल्म का राजस्व कोविड उन्नीस महामारी के कारण राहत कोष में दान दिया जाएगा ये फिल्म मूल रूप से पंद्रह करोड़ दो 15 अक्टूबर 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था प्रारंभिक रिलीज पर फिल्म के वितरण अधिकार यश राज फिल्म को बेच दिए गए थे जिसमें टी सीरीज ने संगीत अधिकार हासिल किए हैं और अमेजन प्राइम वीडियो ने डिजिटल अधिकार हासिल किए हैं लेकिन बाद में जनवरी दो में यह बताया गया था कि सलमान खान ने जी स्टूडियो के साथ एक नई डील साइन की थी और फिल्म के पूरे अधिकार नाटकीय डिजिटल सैटेलाइट और संगीत अधिकार सहित कंपनी को 230 करोड़ में बेच दिए हैं और बाद में महामारी की स्थिति का हवाला देते हुए सौदे पर फिर से बातचीत की गई है मई 2021 में संशोधित बोली 190 करोड़ थी तो फिल्म ने अठारह करोड़ यू 2.3 मिलियन से अधिक की कमाई की और जी फाइव पर ओ रिलीज के रूप में सफल स्वागत के बाद यह एक सीमित दूसरी रिलीज थी जिसे 14 मिलियन से अधिक बार देखा गया था फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से बेहद नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट राटेन हेमेटोज पर फिल्म को ग्यारह समीक्षाओं के आधार पर नौ की पॉइंट औसत की रेटिंग प्राप्त हुई है आई ने फिल्म को वन की दो फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एम एम बेटी कैंडनी राधे को पाँच में से जीरो की रेटिंग दी है और लिखा है कि ये फिल्म इतनी सामान्य है कि एक बार देखने के बाद एच से कथानक को लिखना एक चुनौती होगी सलमान खान का प्रदर्शन इस तथ्य को दोहराता है कि वो नहीं देख रहे हैं दर्शकों से कोई मान्यता प्राप्त करने के लिए उनके हल्के में लेना उन्होंने मुख्य अभिनेत्री की स्क्रीन समय नहीं देने के लिए फिल्म की आलोचना करते हुए कहा है कि फिल्म अपनी नायिका को प्रदर्शन पर एक शरीर के अलावा कुछ नहीं मानती जिसका एकमात्र काम नायक को किसी से प्यार करना उसके साथ नृत्य करना और रक्षा करना द क्विंट की श्रुति घोष ने राधे को 0.5 की रेटिंग दी है और इसे किंग फेस्ट कहते हुए उन्होंने लिखा है कि राधे एक जोरदार संवेदनहीन और आक्रामक फिल्म है जिसमें महिलाओं पुलिसवर और सामान्य रूप से दर्शकों की बुद्धिमत्ता के प्रति बहुत कम सम्मान है उन्होंने आगे कहा है कि राधे निराशजनक के रूप में इस बात से अभिनज्ञ है कि ये कैसे पुलिस की बर्बरता और लगभग दस घून बार दम घोटने वाली है जहरीली मर्दांगनी को बढ़ावा देती है जिसे मस्त और सस्ते डिओकेट की तरह छिड़का जाता है द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने राधे को 0.5 की रेटिंग दी है और लिखा है कि राधे एक नासमझमतापूर्ण फिल्म है जिसे सलमान खान वो हर काम करते हैं जो उन्होंने लाखों बार किया है द हिंदुस्तान टाइम्स की सौम्या श्रीवास्तव ने राधे को एक अत्याचारपूर्ण फिल्म और सलमान खान की सबसे ख़राब फिल्मों में से एक कहा है उन्होंने राधे को एक कठिन फिल्म के रूप में वर्णित किया है और कहा है कि ये फिल्म कुछ भी नहीं बल्कि एक्शन दृश्यों का एक संग्रह है जिसमें दिशा की तंग पोशाकें कुछ डांस नंबर और अपुन कहने वाले गुंडे फिल्म्स के फिलर्स के रूप में काम करते हैं तो एन के सैवल्ट चटर्जी ने फिल्म को पाँच में से दो की रेटिंग दी है और लिखा है कि फिल्म कुछ हद हाँ तक सतही दुर्गंध के साथ हम पर बहुत सारा कचरा डालती है उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला है कि राधे में सलमान खान के कट्टर प्रशंसकों की रुचि बनाए रखने के लिए कोई प्रलोभन नहीं है व्यापार विश्लेषक तर्ण आदर्श ने राधे को पांच में से दो की रेटिंग दी है और इसे निराशजनक कहा है इसकी पटक कथा और लेखन को कमजोर बताते हुए उन्होंने लिखा है कि राधे अत्यधिक उम्मीदों की नहीं उतरती फिल्म में एक घिसा पिटा कथानक और नई पैकेजिंग के साथ एक पूर्व अनुमानित फार्मूला तैयार किया गया है फिल्म कंपेनियन की अनुपमा चोपड़ा ने लिखा है कि सलमान खान अभिनीत फिल्म शिल्प से इतनी मुक्त है कि वो दुख होता है प्रभु देवा ने सलमान खान के पंथ के लिए एक और जोरदार स्तब्ध करने वाला निरर्थक भजन प्रस्तुत किया है द नेशनल हेलार्ड ने नम्रता जोशी से लिखा है कि राधे एक फिल्म का एक खाली वर्तन है जो बहुत तेज शोर मचाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है जिसका कोई मतलब नहीं है दिशा पटानी के किरदार के फेमिंग की आलोचना करते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि दिया खुद बेहद आक्रामक हैं ये सिर्फ निर्माताओं और सलमान खान ब्रह्मांड की बेहद रूढ़िवादी मानसिकता को दर्शाती है जहां पुरुष और महिलाएं शायद ही कभी बराबरी के रिश्ते में होती हैं जहां पुरुष महिला का स्व अभिषेक रक्षक है और महिला को किसी भी प्रकार की संपत्ति या अधिकार के रूप में देखा जाता है मैसबल की साहू ने पुलिस की बर्बरता और बंदूक हिंसा और जहरीली मर्दांगनी का महिमा मंडल करने के लिए राधे की आलोचना की है उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि राधे न केवल संवादों के साथ बल्कि सफाई करने वाले दुष्ट पुलिसकर्मी के फार्मूले को भी दोहराया है और यह न्यूनतम एक बलात्कार हमले की कहानी को भी नहीं बच सकता वस्तु में फिल्म एक जैसी दिखती है और सलमान खान के पहले ही लोकप्रिय ब्रांड को बेचने के लिए ब्रोशर यह पूरी तरह से भाईपूर्ण है राधे फिल्म में दिशा पटानी जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो दिशा पटानी जी एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती हैं दिशा पटानी ने अपने अफनी करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म लोपर 2015 से की और उनकी पहली हिंदी फिल्म बायोपिक एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी दो के साथ रिलीज हुई थी जिसके लिए उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल के लिए आइफा अवार्ड जीता और चीनी एक्शन कॉमेडी कु फूयोंगा दो में दिखाई देने के बाद पटानी ने बागी टू दो मलिंग 2020 और एक बिलेन रिटर्न्स 2022 फिल्मों में प्रमुख महिलाओं की भूमिका निभाई है वो फोर्स इंडिया की 2019 की सेलिब्रिटी शो सूची में दिखाई दी हैं तो फ्रेंड्स इनका जन्म 13 जून दो उन्नीस को बरेली उत्तर प्रदेश भारत में इनका जन्म हुआ था इनका अलमा मैटर है एम यूनिवर्सिटी लखनऊ पेशा है अभिनेत्री और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष दो से वर्तमान तक तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में तो दिशा पटानी जी का जन्म तेरह जून उन्नीस को बरेली उत्तर प्रदेश भारत में जन्मी हैं वो राजपूत हिंदू पृष्ठभूमि से हैं उनके पिता जगदीश सिंह पटानी एक पुलिस अधिकारी हैं और उनकी माँ एक स्वास्थ्य निरीक्षक हैं उनकी बड़ी बहन खुशबू पटानी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट हैं उनका एक बहुत छोटा भाई सूर्यांश पटानी भी है उन्होंने एमटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है वो पांडस फेमिना मिस इंडिया इंदौर 2013 की पहली रनर अप थे तो दिशा पटानी ने सन 2015 में वरुण तेज के साथ तेलुगु फिल्म लोफर से डेब्यू किया था और उन्होंने मौनी नाम की लड़की की भूमिका निभाई जो जबरन शादी से बचने के लिए घर से भाग जाती हैं और पूरी जगन्नाथ द्वारा निर्देशित और सीके के सी के इंटरटेनमेंट के तहत सी कल्याण द्वारा निर्मित यह फिल्म दो, दो, दो सौ मिलियन के बजट पर बनाई गई और एक मिलियन के लाफ टाइम कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया था अगले वर्ष दिशा पटानी टाइगर शराब के साथ एक संगीत वीडियो बेफ्रका में दिखाई दी थी जिसे टी सीरीज के तहत भूषण कुमार और कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित किया गया था और मीत प्रदर्श द्वारा संगीतबद्ध किया गया था मित प्रदर्श द्वारा लिखित और निर्देशित गायिका अदिति सिंह शर्मा ने अपनी आवाज को दिया है तो दिशा पटानी को अपनी व्यवसायिक ब्रेक नीरज पांडे के एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से मिलता है जो एक जीवनी पर आधारित स्पोर्ट फिल्म है जो सुशांत सिंह राजपूत और कियारा आडवाणी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम एस धोनी की जीवन कहानी पर आधारित है उन्होंने एम एस धोनी के किरदार की प्रेमिका प्रियंका झा की भूमिका निभाई है जिसकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और फॉक्स स्टार स्टूडियो द्वारा निर्मित है ये फिल्म 30 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी और 216 करोड़ यूएस 27 मिलियन के अनुमानित संग्रह के साथ एक बड़ी हिट थी बॉलीवुड हंगामा से तरण आदर्श और द इंडियन एक्सप्रेस से सुब्रा गुप्ता ने दोनों ने कहा है कि वो दिशा पटानी और अपनी फिल्मों में चमकदार थी अठारवें आइफा अवार्ड्स में उन्होंने स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल का पुरस्कार जीता है इसके अलावा उन्होंने सोनू सूद के साथ जैकी चैन की फू योगा में अभिनय किया है इसके बाद दिशा पटानी ने टाइगर शराफ के साथ बागी टू में अभिनय किया जो टाइगर शराफ़ और श्रद्धा कपूर अभिनय 2016 की फिल्म बागी की अगली कड़ी और बागी फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित और अहमद खान द्वारा निर्देशित है बागी टू को 30 मार्च 2018 को समीक्षकों से मिली जुली समीक्षाएं प्राप्त हुई थी इसके अलावा एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसाएं मिली थी एनडी से साइवल चटर्जी ने लिखा है कि दिशा पटानी एक सुंदर दृश्य है लेकिन उन्हें अपनी भूमिका केवल नींद में चलने की आवश्यकता है फिल्म ने दुनिया भर में लगभग दो करोड़ यूएस बत्तीस मिलियन की कमाई की और 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई थी तो जून 2019 में वो सलमान खान और कैटरीना कैफ अभिनीत एक्शन ड्रामा फिल्म भारत में संक्षिप्त रूप से दिखाई दी है रिलीज होने पर भारत को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं और इसने अपने जीवन काल में के रूप से तीन करोड़ की कमाई की है और व्यवसायिक रूप से सफल भी रही है उन्होंने ने 2020 की शुरुआत आदित्य राय कपूर के साथ एक्शन थ्रिलर रिलीज मलंग से की है जिसमें अनिल कपूर और कृणाल खेमू भी थे फिल्म को इसके संगीत एक्शन और निर्देशन और कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों से प्रशंसाएं मिली हैं बॉलीवुड हंगामा के लिए लेखन में कहा गया है कि दिशा पटानी को शायद अब तक की सबसे अधिक स्क्रीन समय मिलता है और वो बहुत खूबसूरत दिखती हैं दिल छू लेने वाले प्रदर्शन करती हैं मलंग ने चौरासी पॉइंट पचास करोड़ कमाए हैं और यूएस ग्यारह मिलियन दुनिया भर में इस प्रकार व्यवसायिक रूप से सफल रही है मार्च 2020 में वो टाइगर श्राफ और सिद्धा कपूर अभिनीत फिल्म बागी थ्री के एक गाने में दिखाई दी हैं जो बागी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है ईसा पटानी अगली बार प्रभु देवा की एक्शन फिल्म राधे में दिखाई दी हैं जिसमें वो इस बार सलमान खान के साथ उनकी प्रमुख महिला के रूप में फिर से दिखाई दी हैं फिल्म को उर्फितर के मौके पर G5 के माध्यम से जी और वीडियो डिमांड के रूप में रिलीज किया गया था और वी आलोचना की है। ये एक बड़ी सफलता बन गई है चार मिलियन व्यूज के साथ ये रिलीज के दिन सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ओटी फिल्म बन गई है दो में उन्होंने जान अब्राहम तारा सुतारिया और अर्जुन कपूर के साथ मोहित सूरी की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर एक विलेन रिटर्न ने ने किया है फिल्म को समीक्षकों से मिली जुड़ी समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं और पर इसका प्रदर्शन रहा है, है, है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ करण जौहर की योद्धा की शूटिंग पूरी की और दो के मध्य में उन्होंने सूर्य के साथ अपनी पहली तमिल फिल्म कंगुआ साइन की वो 2024 में रिलीज होने वाली नाग अश्विन निर्देशित प्रोजेक्ट के में नजर आएगी जिसमें प्रभाष अमिताभ बच्चन और दीपिका पातकोण मुख्य भूमिका में होंगी दिशा पटानी को 2016 में गूगल पर सबसे अधिक खोजने वाली हस्तियों की सूची में पांचवें स्थान पर रखा गया था वो सत्तावन पॉइंट पाँच मिलियन से अधिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलोअरों की जाने वाली हस्तियों में से एक हैं और 2019 की पटानी फोर्स इंडिया ने सेलिब्रिटीज सौ सूची में शामिल हुई हैं और अट्ठावन पॉइंट जीरो मिलियन यूएस सात हज़ार की अनुमानित वार्षिक आय के साथ तैंतालीसवें स्थान पर रही है तिसा पटानी को अक्सर टाइम्स की पचास सबसे वांछनीय महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है और सन दो में उन्नीसवें और दो में नौे स्थान पर रही हैं दिशा पटानी को सन 2019 में टाइम्स की सबसे वांछनीय महिला का नाम दिया गया है और 2020 में तीसरा स्थान दिया गया है दिशा पटानी जाय पर्सनल केयर सहित ब्रांडों और उत्पादों के लिए प्रमुख सेलिब्रिटी सेलिब्रिटीसर भी हैं बाटा और पार्सल घड़ियां पटानी ने इंदौर में 2017 हजार सत्रह में इंडियन प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शन किया और मार्च 2023 में दिशा पटानी ने अक्षय कुमार मोनी राय नूरा फतेही सोनम बाजवा अपरा शक्ति खुराना स्टेविन बेन और जहरा एस खान के साथ द इंटरटेनर्स टूर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया है तो फ्रेंड्स राधे फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रभु देवा जी ने प्रभु देवा जी एक भारतीय नृत्य कोरियोग्राफर फिल्म निर्देशक निर्माता और अभिनेता हैं जिन्होंने मुख्य रूप से तमिल हिंदी तेलुगु और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में काम किया है बत्तीस साल के कैरियर में उन्होंने नृत्य शैलियों का प्रदर्शन और डिजाइन किया है और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रियों के लिए दो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और सन दो में नृत्य में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है तो फ्रेंड्स इनका जन्म तीन अप्रैल उन्नीस को मैसूर राज्य भारत में हुआ था तो इनका व्यवसाय अभिनेता निर्देशक नृत्य कोरियोग्राफ निर्माता हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष उन्नीस से वर्तमान तक इनकी जीवन संग्नी लोनावाला में शुरू हुई थी जिसके बाद ये फिल्म 22 20 मई 2020 को रिलीज होने वाली थी लेकिन देश भर में महामारी के कारण इस फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया था और अब ये फिल्म 13 मई 2021 में ईद के अवसर पर रिलीज हुई है फिल्म सिनेमाई घरों और ओ टी टी प्लेटफार्म जी प्लेक्स पर व्यू के साथ रिलीज हुई है अगर हम इस फिल्म के कहानी की बात करें तो दिल्ली में मुंबई आए खतरनाक ड्रग माफिया राणा और उसके दो आदमी पूरे शहर को नशे की ओर तबाह करना चाहते हैं उस की और बेहद हिंसक है जिसका कोई रूल नहीं है वो मुंबई के हर क्लब बार होटल कॉलेज को अपना शिकार बनाना चाहता है ऐसे में उससे निपटने आते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राधे जिनसे बीते दस साल में सत्तानवे एनकाउंटर किए गए हैं और जिसका तेईस दफ़ा ट्रांसफ़र हो चुका है माफियाओं से निपटने के बीच एक दिन रहा चलते राधे की मुलाकात होती है दिया यानी कि दिशा पटानी से जो उसी के सीनियर अफसर यानी कि जैकी शराफ की बहन है एक तरफ दिया और राधे का रोमांस चलता है दूसरी तरफ राधे ख़तरनाक माफियाओं से एक एक कर भिड़ते हैं इस फिल्म में आपको ज़बरदस्त एक्शन भारी डायलॉग कॉमेडी रोमांस और गाने सभी मिलते हैं जो आपको काफ़ी इंटरटेन भी करेंगे सलमान खान अपना वादा निभाने जा रहे हैं ईद पर उनकी रिलीज फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज होने जा रही है 40 से ज़्यादा देशों में यह मूवी देखी जा सकेगी ये पहली बार ऐसी हिंदी फिल्म है जो सिनेमाई घरों के साथ साथ विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म पर देखी जा सकेगी ये मूवी एक वर्ष से भी ज़्यादा समय से तैयार हो रही थी लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण इसकी रिलीज अटकी हुई थी सन 2017 में रिलीज हुई साउथ कोरियन फिल्म द आउट का राधे ऑफिशियल हिंदी रीमेक है जिसमें हिंदी फिल्म देखने वाले दर्शकों के मुताबिक कुछ बदलाव किए गए हैं मुंबई शहर पर एक ड्रग का धंधा करने वाले अपराधी यानी कि रणदीप हुड्डा का दबदबा बढ़ता जा रहा है साथ ही साथ क्राइम रेट भी बहुत बढ़ गया है पुलिस उसके दबदबे को कम करने में नाकाम रहती है नेताओं और पुलिस अधिकारियों की इस सिलसिले में मीटिंग होती है और